हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानीराम डाल। दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अपने जो कमर्शियल फ्लावर्स है उनके अंदर पहली जो क्रॉप है रोज कल्टीवेशन, यानी व्यावसायिक जो फूलों की खेती है उसमें आज अपने बात करेंगे गुलाब की खेती। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखो दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासें हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिए आप विजिट कर सकते हैं onlineagriculture.org। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर जो है उन पर व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर नोट्स आते हैं तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नोट्स पैड है, चार्जेबल है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पर्टिकुलरली जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट है वो डी डी ए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एसओ का एग्ज़ाम है, सेंक्शन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस साइट पर विजिट करिए और ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट करिए। उसके अलावा डी डी एस ओ के अगर आप इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम के नोट्स आते हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोट्स आपको बाय पोस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नोट्स पैड है, यानी नोट्स का चार्ज है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में तो फ्लोरिकल्चर के बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाते हैं नेट पे, लेकिन हिंदी मीडियम में जो है वो फ्लोरिकल्चर के नोट्स या ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के नोट्स बहुत कम अवेलेबल है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मजबूरन इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीडीए का एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है, बाईलिंगुअल आता है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन कंप्लीट नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं जो हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है, ताकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी कम्फर्ट रहे और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी कम्फर्ट रहे। बाकी आप नीचे दी वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर दिया उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं ऑनलाइन एग्रीकल्चर व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ, जिसके थ्रू आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम वगैरह के भी लिंक दिए हुए हैं, तो उन पर भी आप जुड़ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है रोज कल्टीवेशन, यानी गुलाब की खेती। गुलाब बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लावर्स है। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है जहां पर कोई फ्लावर काम आता है और रोज नहीं आता है। यानी फ्लावर के जितने यूज होते हैं अलग अलग फ्लावर्स के, वो सारे यूज अकेले रोज के भी होते हैं। अगर हम बात करें डेकोरेशन में तो रोज भी काम आता है। अगर हम बात करें कट फ्लावर के अंदर, है ना, जिसके साथ डंडी होती है, स्टेम होता है नीचे, है ना, जैसे मान लो ये फूल है और इसको स्टेम के साथ तोड़ दिया तो इसको अपने कट फ्लावर के रूप में काम आता है। इत्र प्रोडक्शन के लिए यानी परफ्यूम प्रोडक्शन के लिए भी गुलाब काम में लिया जाता है, तो इत्र प्रोडक्शन के अंदर भी गुलाब काम में लिया जाता है। उसके अलावा अपने बात करें जैसे गारलैंड वगैरह है, वेनी वगैरह है, तो उसके लिए भी गुलाब को काम में लिया जाता है। रोज की बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है, यानी बहुत सारी इसकी औषधीय महत्व भी है। आपने बहुत सारे आयुर्वेदा के नुस्खे वगैरह देखे होंगे तो उनके अंदर आपने देखा होगा रोज का उपयोग करते हैं। इवन आपने सिंपली जैसे गुलाब जल है उसको आंखों में डालना होगा, जिससे आंखें अपने आंखों में कचरा उचरा निकल जाता है, या स्किन पर भी अपने गुलाब जल यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से मेडिसिनल वैल्यू हो गई। उसके अलावा गुलाब का यूज जो है वो फूड में भी किया जाता है। उसके अलावा गुलाब है उसका यूज फ्लेवरिंग में भी किया जाता है। गुलाब का यूज कॉस्मेटिक में भी किया जाता है। गुलाब का यूज कॉन्फेक्शनरी में भी किया जाता है। गुलाब का यूज एस्थेटिकल वैल्यू जो है, या एस्थेटिक जो वैल्यू है अपनी, धार्मिक महत्व है, उसमें भी अपने काम में लिया जाता है। जैसे मैं बात करूँ जैसे दरगाह वगैरह जो होती है उस पर इत्र वगैरह चढ़ाया जाता है, तो उसमें गुलाब का इत्र ही सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है। उसके अलावा चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कुछ भी है, तो उनमें भी गुलाब के फूलों को भगवान को ऑफर किया जाता है। तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है जहां पर कोई फूल काम आता है लेकिन वहां वो उद्देश्य गुलाब पूरा नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुलाब फूल के सारे उद्देश्य पूरा करता है। और जहां तक मैं सोचता हूँ, मेरा व्यू है, गुलाब जैसा फूल पूरी दुनिया में नहीं है। वो बात अलग है कि जैसे कुछ फ्लावर है, जैसे मैं बात करूं कि टॉर्च जिंजर है या फिर ऑर्किड है जिनको रॉयल फ्लावर बोला जाता है, उनका जो कीमत है, प्राइस है मार्केट में, वो ज़्यादा है, लेकिन गुलाब की कई बार कम है। इसका कारण क्या है, क्योंकि गुलाब क्या है, एक हार्डी नेचर का प्लांट है, हर क्लाइमेट में हो जाता है। आप देखोगे तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर आपको गुलाब की खेती नहीं देखने को मिलती।
बस थोड़ा सा डेजर्ट एरिया में जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर ये सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, बाकी हर जगह पर गुलाब आसानी से हो जाता है। हार्डी प्लांट है, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए मार्केट में इसकी वैल्यू ऑर्किड की तुलना से या टॉर्च जिंजर की तुलना से कम होती है, क्योंकि ऑर्किड है जैसे वो पर्टिकुलर नेट हाउस में, पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में, कोकोपीट पर होता है, उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। टॉर्च जिंजर बहुत कम प्रोड्यूस होता है इसलिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन रोज जितने ऑब्जेक्ट जितने उद्देश्य पूरा करता है गुलाब उतने कोई नहीं करता। इवन गुलाब का यूज अपने मैसेज कन्वे करने के अंदर भी किया जाता है, तो गुलाब जैसा कोई फ्लावर नहीं, इसीलिए अपने एशिया के अंदर इसे किंग ऑफ फ्लावर कहा जाता है, यानी फूलों का राजा कहा जाता है, और यूरोपियन जो लोग हैं इसको क्वीन ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। तो कई बार कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि इसको अपने किंग ऑफ फ्लावर्स कहें या क्वीन ऑफ फ्लावर, अपने इसको किंग ऑफ फ्लावर्स ही कहेंगे यानी फूलों का राजा ही कहेंगे, बाकी यूरोपियन जो कंट्री है उनके अंदर इसको क्वीन ऑफ फ्लावर भी बोल दिया जाता है। सबसे पहले अपने इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम देखो, मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर दिया हुआ है, आप जिससे मर्जी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है रोजा स्पीसीज, और जो फैमिली है वो है रोजेसी। रोजा स्पीसीज यानी इसकी बहुत सारी जातियां हैं, लगभग 150 जो जातियां हैं जिनकी स्टडी की जाती है, मतलब जो अपने नोटिसेबल है जिनके बारे में जानकारी, तो गुलाब की लगभग 150 जातियां हैं जिनकी अपने को जानकारी मिल चुकी है, इसलिए इसको अपने रोजा स्पीसीज लिखा। क्रोमोजोम नंबर यानी गुणसूत्र संख्या की बात करें तो गुणसूत्र संख्या होती है 2n = 14, यानी डिप्लोइड गुणसूत्र संख्या होती है 14। उत्पत्ति स्थल की बात करें तो अधिकांश जो गुलाब की जातियां उनकी उत्पत्ति इंडिया मानी जाती है, लेकिन कुछ गुलाब की जातियों की उत्पत्ति अमेरिका भी मानी जाती है, तो अपने भारत और भारत और अमेरिका भी कहा जा सकता है। अब कुछ जो जनरल इंट्रोडक्शन की जो बात है वो देखो, इंग्लैंड और ईरान के अंदर, इंग्लैंड और ईरान के और कुछ जो अमेरिकन स्टेट है ना, वहां पर जो गुलाब है उसको वहां का नेशनल सिंबल या स्टेट सिंबल माना जाता है। तो इंग्लैंड और ईरान का ये राष्ट्रीय फूल है, नेशनल फ्लावर है, ठीक है। गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं, ये अपनी बात कर ही चुके हैं, किंग ऑफ फ्लावर कहा जाता है। गुलाब की खेती को रोजरी कहते हैं, गुलाब का जो खेत होता है, फार्म होता है, उसको अपने रोजरी बोलते हैं, और जो कल्टीवेशन करता है, जो किसान है जो गुलाब की खेती कर रहा है, उसको रोजेरियन कहा जाता है। गुलाब के नीचे, फूल के नीचे एक छोटा हिप्स होता है, जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं, जैसे ये फूल है इसके नीचे क्या होगा, एक ऐसे छोटा सा गोल सा फ्रूट टाइप का बना होगा, तो उसको अपने मतलब रोज फ्रूट कह दिया जाता है, गुलाब का फल, और उसको अपने पर्टिकुलरली हिप्स कहा जाता है। तो गुलाब के फल को हिप्स कहा जाता है, और जिसके अंदर ऐसे सीड होते हैं जिनको एसेंस कहा जाता है, और ये जो गुलाब का फ्रूट होता है ये विटामिन सी रिच होता है, यानी इसमें विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड बहुत होता है इसमें, लगभग विटामिन सी होता है 119 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, इसलिए इसका उपयोग पिकल वगैरह बनाने में या फिर कुछ और फूड प्रोडक्ट बनाने में भी किया जाता है, यानी न्यूट्रिशन का बढ़िया सोर्स होता है, ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड का सबसे बड़े रोज गार्डन की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोज गार्डन है अल्फा गार्डन, इंग्लैंड के अंदर है, और इंडिया के अंदर जो रोज गार्डन है वो बना हुआ है चंडीगढ़ के अंदर, रोज गार्डन चंडीगढ़ में बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो देखो क्रिमिसन चाइना जो रोज है, क्रिमिसन चाइना रोज जो है, अब जितने भी आधुनिक रोज है, जितनी भी मतलब गुलाब की जातियां हैं, उन सब का जनक माना जाता है, बाकी सारे के सारे जो गुलाब है उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो क्रिमिसन चाइना रोज से मानी जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें, देखो इत्र की जो खोज है, जिसको इत्र बोल दिया जाता है, इसकी जो खोज है उसका श्रेय बेगम नूर जहां को जाता है। ये किस तरह से जाता है, देखो जनरली पहले राजा महाराजा, देखो कुछ परफ्यूम या डिओडोरेंट जैसा कुछ था नहीं पहले, तो राजा महाराजा लोग जो नहाते थे तो उनके जो वाटर पूल था उसके अंदर वो क्या करते थे, जैसे गर्म पानी है तो उसमें या ठंडा पानी भी है तो उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाल दी जाती थी, जिससे क्या होता था कि उस पानी में खुशबू आने लग जाती थी। तो अब गर्म पानी के अंदर जब गुलाब की पंखुड़ियां डाली गई तो देखो जो खुशबू होती है फूलों में वो होती है वोलेटाइल कंपाउंड की वजह से। वोलेटाइल कंपाउंड का मतलब होता है वाष्पशील पदार्थ। वाष्पशील पदार्थ का मतलब एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल है,
आप रूम तापमान पर उसको सीधा रख देते हो तो भी वो क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो जो सामान्य तापमान पर वाष्पीकृत हो जाता है, जिसको अपने गर्म करे बगैर ही वाष्पीकृत हो जाता है, उसको वोलेटाइल कंपाउंड बोलते हैं। अब देखो, गुलाब का आपने फूल रख दिया कमरे में तो उसकी खुशबू आ रही, क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें वोलेटाइल कंपाउंड है जो सामान्य तापमान पर वाष्पीकृत हो रहा है, जिससे वो कमरे में फैल रहा है, विसरित हो रहा है, जिसकी वजह से खुशबू आ रही है। अगर वो वोलेटाइल कंपाउंड होता ही नहीं, वाष्पशील पदार्थ होता ही नहीं, तो फिर क्या होता, उससे खुशबू बाहर कैसे निकलती और अपने को खुशबू कैसे आती? तो ये क्या था कि गर्म पानी में जैसे ही पेट्रोल डालेंगे तो वो वोलेटाइल कंपाउंड है वो मतलब वाष्पीकृत होने लगा। तो ये ढका हुआ वॉटर पूल होता है जो जहां पर रानी वगैरह आते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे वो मतलब वोलेटाइल कंपाउंड था, वोलेटाइल ऑयल बोल देते हैं या एसेंशियल ऑयल या वाष्पशील तेल बोल देते हैं, वो ऐसे ऊपर उड़ा। फिर वो क्या हुआ, ठंडा हुआ, तो उसकी बूंदे पानी पर आकर तेल के रूप में तैरने लगी। उसको जब इन्होंने हाथ के छुआ तो इसमें बहुत शानदार खुशबू थी और खुशबू लंबे समय तक बनी हुई थी। तो इस तरह से पता लगा कि इस तरह से ये मतलब मटेरियल निकाला जा सकता है, जिसको इत्र नाम दिया गया। तो इत्र की खोज का श्रेय बेगम नूरजहां को जाता है। ऐसा नहीं कि इनका कोई रिसर्च वर्क था या उससे कोई खोज हुई है, एक ऑब्जर्वेशन से ये खोज मानी जाती है। तो इत्र की खोज का श्रेय बेगम नूरजहां को जाता है, ठीक है। और देखो, गुलाब का इत्र है वो काफी महंगा रहता है, क्योंकि इसके गुलाब का इत्र निकालने के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, वो आगे अपने डिस्कस करेंगे ना। जैसे 3 से 3.5 टन फूलों से 1 लीटर गुलाब का तेल निकलता है, यानी एसेंशियल ऑयल निकलता है, तो उसकी कीमत लाखों में होती है, 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए लीटर तक इसकी कीमत रहती है। तो इत्र की खोज है वो बेगम नूरजहां ने की थी। नेक्स्ट अपने बात करें, भारत में सबसे ज्यादा चाहे अपने हम जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो भारत में बात करें या राजस्थान में बात करें तो फूलों के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा एरिया है वो किसका है, गुलाब का है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो एरिया है वो गुलाब का है, गुलाब की खेती सबसे ज्यादा की जाती है फूलों में। और गुलाब में जो कट फ्लावर है, डंडी के साथ जो फूल होते हैं, उसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल के अंदर। और जो लूज फ्लावर होते हैं, बिना डंडी के जो फूल होते हैं, जैसे माला बनाने में या भगवान को ऑफर करने में आप जो काम में लेते हो, उनका जो उत्पादन है, लूज फ्लावर का, खुले फूलों का जो उत्पादन है, वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होता है। मैं राजस्थान का हूं तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में जो फूलों का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है, गुलाब की मैं बात कर रहा हूं, तो अजमेर में होता है। और गुलाब की जो मंडी है राजस्थान में, वो पुष्कर अजमेर में है। और उसके अलावा अब दूसरी जो मंडी बनी है फूलों की, वो बस्सी जयपुर में बनी है, लेकिन मेन जो है वो पुष्कर अजमेर के अंदर है, ठीक है। गुलाब की विश्व में लगभग 150 जातियां, यहाँ पे 120 नहीं 150 माननी है, ठीक है। तो जिनका डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिनकी जानकारी मिलती है, वो लगभग कितनी जातियां, 150 जातियां हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, देखो विश्व में सबसे ज्यादा गुलाब का जो आयात करता है वो जर्मनी करता है, और उसके बाद यूएसए करता है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा निर्यात करता है गुलाब का, वो करता है नीदरलैंड करता है। और आपको ही पता होगा, विश्व में सबसे ज्यादा फूल उत्पादन नीदरलैंड में होता है, और नीदरलैंड के अंदर ही विश्व में फूलों का सबसे बड़ा मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, अल्जमीर के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद कोलंबिया, इक्वेडोर, केनिया, इजराइल, जिम्बाब्वे वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया जो है, इंडिया में जो मेजर स्टेट है, जैसे मैंने बताया, कट फ्लावर में तमिलनाडु है, और लूज फ्लावर के अंदर कट फ्लावर में वेस्ट बंगाल है, और लूज फ्लावर में तमिलनाडु है। उसके अलावा अपने बात करें तो गुलाब का अच्छा खासा उत्पादन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। उसके अलावा यूपी में भी गुलाब की अच्छी खासी खेती देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपने बात करें बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, तो फैमिली रोजेसी है, लगभग 150 जाती है, वो रिकॉग्नाइज यानी पहचानी जा चुकी है। और जो रोजा जीनस है उसको 4 सब जेनेरा में बांटा गया है, यानी 4 उपगणों में बांटा गया है। कौन कौन सा, यूरोजा, दूसरा पलेट्री होडोन, तीसरा हेस्परहोडोस, और चौथा है वो है हेल्थेमिया। तो ये रोजा जो जीनस है, वंश है, उसके 4 उपवंश है, जो यूरोजा, पलेट्री होडोन, हेस्परोडोस और हेल्थेमिया, ये 4 सब जीनस माने जाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें गुलाब का जो यूज है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले तो अपने बात करें गुलाब मैसेज कन्वे करने में या फिर सिंबलाइज करने के अंदर, मतलब किस चीज को दर्शाने का काम करता है। जैसे ये पिंक रोज है, ये बताता है ग्रेस और इलिजेंस को बताता है, मतलब अनुग्रह करने को और शान के बाद को दर्शाता है। तो ये किसका प्रतीक माना जाता है, ग्रेस और इलिजेंस का प्रतीक माना जाता है। वहीं पे अगर मैं रेड रोज की बात करूं तो रेड रोज है वो लव और रोमांस का सिंबल है, और ये लव का मैसेज कन्वे करता है।
वहीं पे अगर मैं पिंक रोज सॉरी व्हाइट रोज की बात करूं तो व्हाइट रोज है वो इनोसेंस और प्योरिटी को दर्शाता है, मासूमियत और शुद्धता को दर्शाता है। वहीं पे अपनी बात करें जैसे ये ऑरेंज से कलर का जो रोज है ये मैसेज कन्वे करता है एंथुजियाज्म का, यानी उत्साह को दर्शाने का काम करता है। और जो येलो रोज है वो फ्रेंडशिप और वेलकम के लिए होता है, किसी का वेलकम कर रहे हो तो आप येलो रोज यूज करते हो, या फिर आप फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो येलो रोज है वो यूज किए जाते हैं। तो ये मैसेज कन्वे करने के लिए और सिंबलाइज करने के लिए भी रोज का काम, रोज को काम में लिया जाता है। और भी कई कलर के रोज देखने को मिलते हैं जो वो भी डिफरेंट डिफरेंट मैसेज कन्वे करते हैं, लेकिन ये जनरली पेजर 5 ही सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं जिनके बारे में आपको बता दिया। उसके अलावा गुलाब का उपयोग है वो कट फ्लावर के रूप में किया जाता है, कट फ्लावर जिनके साथ डंडी होती है ना, सिंगल कट फ्लावर भी काम में लेते हैं, 3 का ग्रुप होता है, 6 का ग्रुप होता है, 12 का ग्रुप होता है, ग्रुप में भी इनको काम में लिया जाता है। गार्डन के अंदर डिस्प्ले के रूप में भी इनको लगाया जाता है, गमलों के अंदर भी जैसे रोज है उसको लगाया जाता है, जैसे आपने मिनिएचर रोज जो है लघु गुलाब है देखा होगा, पॉट प्लांट के रूप में काम में लिया जाता है। आगे अपने बात भी करेंगे ना जब जातियों की बात करेंगे। उसके अलावा रोज वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट है, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं, परफ्यूमरी जब इत्र निकालते हैं तो उसके साथ साथ रोज वाटर भी एक्सट्रैक्ट होता है, तो रोज वाटर परफ्यूमरी में काम में लिया जाता है, कॉस्मेटिक में काम में लिया जाता है, सैलून वाले काम में लेते हैं, या फिर मैं बात करूं जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह वाले काम में, मेडिसिनल वैल्यू के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। रोज ऑयल ये परफ्यूमरी के लिए, इत्र बनाने के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट में, फ्रेग्रेंस के लिए, फ्लेवरिंग के लिए, कॉस्मेटिक में, कॉन्फेक्शनरी में, तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके अलावा आयुर्वेद वगैरह में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है रोज ऑयल का। नेक्स्ट गुलकंद, गुलाब की जो पंखुड़ियां पेटल्स होते हैं उनको और चीनी को मिक्स करके गुलकंद तैयार किया जाता है। तो जो गुलाब का जब अपने गुलकंद बनाते हैं तो चीनी का और जो पंखुड़ियों का रेशो रखा जाता है वो 1:1 रखा जाता है। कई बार चीनी का रेशो 2 कर देते हैं और पंखुड़ियों का 1 करते हैं, जिससे प्रिजर्वेशन परिरक्षण की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो 1:1 लेते हैं चीनी और गुलाब की पंखुड़ियां यानी पेटल्स, 2:1 भी लिया जाता है, ठीक है, दोनों ही काम में लिए जाते हैं। उसके अलावा पंखुड़ियां जो है यानी जो पेटल्स है उनको सुखा दिया जाता है, उनका उपयोग मिठाई में, बहुत सारे के फूड के अंदर भी किया जाता है और मेडिसिनल वैल्यू के रूप में भी किया जाता है पंखुड़ियों का। उसके अलावा गुलरोगन, देखो गुलरोगन क्या होता है, जो तिल होते हैं उसके साथ पेटल्स को रख दिया जाता है, जिसकी वजह से गुलाब का कुछ ऑयल उसके अंदर मिक्स हो जाता है, जिसको हेयर ऑयल के रूप में भी काम में लिया जाता है, जिसको अपने गुलरोगन बोलते हैं। ये जो नीचे पड़ा हुआ है इसको अपने बोलते हैं पोटपूरी। देखो कोई बाउल होता है, टोकरी होती है, उसमें जैसे जो ड्राई प्लांट मटेरियल होता है वो रख दिया जाता है, जिससे वो सुंदर भी लगता है और साथ साथ में वहां पर प्रेग्नेंट भी देता है, उसको बोलते हैं पोटपूरी। तो गुलाब का जो यूज है वो पोटपूरी के अंदर खुशबू के लिए और सुंदर दिखने के लिए भी किया जाता है। तो ये गुलाब के बहुत सारे जो यूज है। उसके अलावा एथिकल वैल्यू के रूप में भी किया जाता है, यानी धार्मिक महत्व के रूप में, जैसे भगवान वगैरह को अपने गुलाब ऑफर करते हैं तो वो एथिकल महत्व हो गया ना, एक धार्मिक महत्व हो गया। नेक्स्ट अपने बात करें जलवायु की, क्लाइमेट की। देखो वैसे तो गुलाब है वो शीतोष्ण जलवायु का है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनुकूलन ले लिया इसने, बहुत कठोर प्रकृति का हो गया, इसलिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हर बेल्ट में इसको लगाया जाता है। इसकी वृद्धि के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो 15-27 डिग्री सेल्सियस होता है। रात में अगर 15.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है तो इसकी वृद्धि बहुत ही शानदार देखने को मिलती है। और लगभग जो वहां की अपेक्षित आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो 60-70 के बीच में होनी चाहिए। अब देखो हम यहाँ पे जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं वो ओपन कल्टीवेशन पढ़ रहे हैं, अभी खुले में जो खेती करते हैं। इसके बाद हम प्रोटेक्ट कल्टीवेशन की भी बात करेंगे, प्रोटेक्ट यानी ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में जो खेती करते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो ये जो सारी की सारी रिकमेंडेशन आपके सामने है वो सारी की सारी ओपन कल्टीवेशन के हिसाब से है। मिट्टी की बात करें तो देखो लोमी सॉइल सबसे बढ़िया होती है, यानी दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5, यानी जो उदासीन मिट्टी होती है उसके अंदर गुलाब की खेती सबसे बढ़िया परफॉर्म करती है। नेक्स्ट मैं बात करूं प्रोपोगेशन की। देखो प्रोपोगेशन में दो चीज ध्यान रखना, जब लूज फ्लावर की बात आते हैं या फिर ओल्ड वर्ल्ड जिसको रोज बोलते हैं या फिर अपने जिसको देसी गुलाब बोलते हैं, उसका प्रोपोगेशन तो करते हैं हार्डवुड कटिंग से, कठोर कास्टी कलम से किया जाता है। लेकिन जो कट फ्लावर है यानी कट जो गुलाब है उसका जो प्रोपोगेशन है वो टी बडिंग के द्वारा किया जाता है, टी बडिंग से किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब देखो ज्यादा पॉपुलर है वो कट फ्लावर है, तो आपसे सीधा पूछ ले गुलाब का प्रोपोगेशन तो आप बोलोगे टी बडिंग, लेकिन आपसे पूछ ले कि देसी जो है या ओल्ड वर्ल्ड जो रोज है या देसी गुलाब है उसका प्रोपोगेशन किससे करते हैं, या लूज फ्लावर के लिए जो गुलाब लगाते हैं उसका प्रोपोगेशन किससे करते हैं, उसका हार्डवुड कटिंग थे यानी कठोर कास्ट के कलम से करते हैं, लेकिन जो कट रोज है उसका जो प्रोपोगेशन किया जाता है वो टी बडिंग से किया जाता है। देखो टी बडिंग क्या होता है, टी बडिंग होता है जैसे आपने तने पे क्या किया, इस तरह का कट लगाया, इस साल को लूज किया, ये तो आपने लिया मूल वरंत के रूप में, और जिसका आपको फूल लेना है यानी जिससे शांकुर लेना है उससे बड काट के लेके आए, बड कैसे लेके आए, इस तरह की बड लेके आए, और बड डैमेज नहीं होनी चाहिए जब आप जब मात्र पौधे से अलग करते हो इसको ना, पेरेंट प्लांट से जब इसको अलग करते हो जिस तरह के आपको फूल लेने हैं, तो ये बड लाए और इसके अंदर आपने क्या कर दिया, इसको फिट कर दिया और बांध दिया, अब कुछ दिन बाद यहां से ग्रोथ निकल जाएगी और इससे ही अपने को ऊपर फ्लावर्स वगैरह लेने हैं, तो रूट स्टॉक तो नीचे रूट डेवलप करेगा और जो हमने बड काम में लिए यानी साइन बड काम में लिए वो पूरे का पूरा प्रोडक्शन वाला स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। पूरे डिटेल से मैंने टी बडिंग जो प्रोपोगेशन वाला टॉपिक है उसके अंदर आपको बता रखा है, तो टी बडिंग है वो प्रोपोगेशन मेथड के रूप में काम में लेते हैं जो कट फ्लावर है उनके अंदर, तो उस समय अपने कौन कौन से रूट स्टॉक काम में लेते हैं, तो एक तो लेते हैं अपने रोजा इंडिका, रोजा जो इंडिका है इसकी पर्टिकुलर मैं वैरायटी की बात करूं तो ओडोराटा है, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है रोजा इंडिका जो है वैरायटी ओडोराटा वाला। उसके अलावा हम काम में लेते हैं रोजा मल्टीफ्लोरा, रोजा मल्टीफ्लोरा है इसको एडवर्ड रोज भी कहा जाता है, ये वेस्ट जो इंडिया है उसके अंदर काम में लिया जाता है रोजा इंडिका नॉर्थ इंडिया में, और वेस्ट इंडिया के अंदर रोजा मल्टीफ्लोरा काम में लिया जाता है रूट स्टॉक है। उसके अलावा हम और रूट स्टॉक यूज करते हैं रोजा केना, रोजा मेंटाई, रोजा बर्बोनियाना, रोजा लाक्सा, रोजा निस्टियाना, इसमें से रोजा केना और रोजा मेनाटी और रोजा इंडिका ये पॉली हाउस ग्रीन हाउस में यही ज्यादा काम में लिए जाते हैं। पॉली हाउस ग्रीन हाउस में जो सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं एक तो लिया जाता है रोजा इंडिका, रोजा केनियाना और रोजा मेनाटी, ये तीन रूट स्टॉक पॉली हाउस ग्रीन हाउस के अंदर ज्यादातर काम में लिए जाते हैं। बडिंग करने के लिए जो बढ़िया टाइम होता है सबसे सुटेबल टाइम होता है वो नवंबर दिसंबर होता है, बडिंग करने का जो सुटेबल टाइम है वो नवंबर दिसंबर होता है, और अगर आप हार्डवुड कटिंग लगा रहे हैं तब भी अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर का जो टाइम है वो सबसे बढ़िया रहता है। और प्लांटिंग करने के लिए आप मतलब पौधा तैयार है उसके बाद आप प्लांटिंग कर रहे हैं तब आप अक्टूबर के अंदर प्लांटिंग कर सकते हैं, और कुछ जैसे हिली एरिया है वहां पे जो प्लांटिंग है वो फरवरी से मार्च में भी की जा सकती है अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो कटिंग आप सॉरी थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए आप, अगर आप बडिंग कर रहे हैं तो बेस्ट प्लांट है नवंबर दिसंबर, और उस बडेड प्लांट को अगर आप सीधा खेत में ला रहे हैं नर्सरी से तो उसकी प्लांटिंग के लिए सबसे सुटेबल टाइम है सेप्टेम्बर टू अक्टूबर, और अगर आप कटिंग लगा रहे हैं सीधी हार्डवुड कटिंग तो आप सेप्टेम्बर से अक्टूबर में कटिंग लगाओगे, मैंने पीछे नवंबर दिसंबर गलत बोल दिया था, सेप्टेम्बर से अक्टूबर में कटिंग लगाने का सबसे उपयुक्त समय है, और नर्सरी से भी कोई पौधा खरीद के ला रहे हो तो उसकी प्लांटिंग के लिए भी सेप्टेम्बर से जो अक्टूबर का समय है वो सबसे उपयुक्त है, लेकिन हिली एरिया वहां पे आप फरवरी से मार्च के अंदर भी प्लांटिंग कर सकते हो, पौधरोपण कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें पौधरोपण का समय, तो वो मैंने आपको बता ही दिया सितंबर से अक्टूबर तक जा सकते हैं। पौधरोपण दूरी है वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह की रखी जाती है, ठीक है, तो वो अपने आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल से, मैंने यहाँ पे कॉमन आपको डिस्टेंस दे दी वो यहाँ पे नहीं रखनी ध्यान में, आप इसको यहाँ पौधरोपण दूरी को एक बार छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें प्रूनिंग का समय, देखो ये बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्सियल क्वेश्चन है, वैसे प्रूनिंग का जो स्टैंडर्ड टाइम रहता है अधिकांश एरिया में तो रहता है अक्टूबर से दिसंबर रहता है, लेकिन जहां लेट तक सर्दी पड़ती है वहां जनवरी तक जा सकते हैं, पूरे का पूरा इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, जहां कम ठंड पड़ती है न के बराबर ठंड पड़ती है वहां जल्दी प्रूनिंग हो जाती है, और जहां ठंड पड़ती है वहां लेट प्रूनिंग होती जाती है, तो साउथ इंडिया में जल्दी प्रूनिंग है, नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ोगे तो वैसे ही प्रूनिंग लेट होती जाती है, तो प्रूनिंग का जो उपयुक्त समय होता है वो अक्टूबर से जनवरी होता है, सामान्य से जिस एरिया में जब फूल आते हैं उसके 60 से 65 दिन पहले प्रूनिंग कर दी जाती है, एक्सटेंडेड रहता है प्रूनिंग का, ठीक है, बाकी डिपेंड करता है एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, ठीक है, तो उपयुक्त टाइम है वो अक्टूबर से जनवरी है। नेक्स्ट उसके अलावा कुछ और भी प्रैक्टिस करते हैं जैसे डिस बडिंग, देखो डिस बडिंग क्या होती है, अगर आप कट फ्लावर प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आप कट फ्लावर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, पौधे पर बहुत तरह की फूल की कली, बहुत सारी फूल, बहुत तरह की नहीं, बहुत सारी पुष्प कलिकाएं आएगी, फ्लावर्स बढ़ आएगी,
अगर आप इन सारी फ्लावर बड से कट फ्लावर लेते हो तो उसकी क्वालिटी कमजोर हो जाती है। तो अब क्या करोगे, आप एक पौधे पर 2 से 3 कलिकाएं छोड़ दोगे, बाकी जितनी कलिकाएं फ्लावर बड है उनको आप तोड़ देते हो। तो पीछे 2-3 जो कलिकाएं बची है, बड बची है, उनसे जो कट फ्लावर प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही शानदार होगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो कट फ्लावर प्रोडक्शन के लिए आप अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा फ्लावर्स बड है बिल्कुल आते ही उसी समय उसको रिमूव कर देते हो, तो उसको डिसबडिंग कहते हैं। और डिसबडिंग का उद्देश्य क्या है, कट फ्लावर में क्वालिटेटिव फ्लावर प्रोडक्शन करना, यानी कट फूल उत्पादन के समय गुणवत्ता वाले फूलों का उत्पादन करना उद्देश्य होता है डिसबडिंग का। एक होती है पिंचिंग। पिंचिंग क्या होती है, देखो जब कोई पौधा वृद्धि कर रहा है उसके शीर्ष भाग को अगर आप तोड़ देते हैं तो उसकी पार्श्व शाखाएं बहुत ज्यादा आती है, पार्श्व शाखाएं ज्यादा आती है तो फूल ज्यादा लगेंगे, तो इसको अपने बोल देते हैं पिंचिंग बोल देते हैं। और कुछ फसलों में जैसे टॉपिंग भी बोल दिया जाता है, निपिंग भी बोल दिया जाता है, लेकिन फूलों के अंदर इसको पिंचिंग बोला जाता है। देखो कट फ्लावर में तो आपको ध्यान रखना है ज्यादा संख्या में फूल नहीं लेने, नहीं तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। और लूज फ्लावर खुले फूल उत्पादन करते हो उस समय आपका ऑब्जेक्ट होता है ज्यादा से ज्यादा फूलों का उत्पादन करना, जब आप क्या करोगे पिंचिंग की क्रिया करोगे। तो पिंचिंग जो प्रैक्टिस है वो तो लूज फ्लावर प्रोडक्शन के लिए की जाती है, यानी खुले फूल उत्पादन के लिए की जाती है, और डिसबडिंग है वो कट फ्लावर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें स्पेसिंग। मैंने पीछे बोला था आप स्पेसिंग वहां पर ध्यान ना दीजिए, यहां पर देखिए कट फ्लावर प्रोडक्शन के लिए जो स्पेसिंग रखते हैं ओपन कल्टीवेशन में वो 60x30 सेंटीमीटर, ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए रखते हैं 2.5x0.5 मीटर रखते हैं, यानी 250 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की लगभग 50 सेंटीमीटर दूरी रखते हैं। इसमें देसी गुलाब लगाते हैं जिससे रोजा डेमेशियाना ज्यादा लगता है, तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, फैलता भी ज्यादा, इसलिए ये डिस्टेंस रखते हैं। और जैसे विग्रस ग्रोविंग कल्टीवार, जैसे बड़े जो कल्टीवार है उनके अंदर 60x75 और 75x75 रखते हैं, कई बार 120x90 तक भी रख ली जाती है। पॉलीएंथा में 45x45, मिनिएचर गुलाब में 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखते हैं, और क्लाइंबिंग जो होता है, क्लाइंबिंग टाइप का जो होता है, बेल की तरह का जो गुलाब होता है उसमें 3 मीटर डिस्टेंस रखते हैं। तो ये ओपन कल्टीवेशन के लिए डिस्टेंस होगी। वहीं पे अपने बात करें पोली हाउस ग्रीन हाउस में, तो हाइब्रिड टी रोज के लिए अपने दूरी रखते हैं 120x120 सेंटीमीटर, फ्लोरीबंडा के लिए रखते हैं 60x90 सेंटीमीटर, सॉरी ये उल्टा लिखना है, अपने 90x60 सेंटीमीटर लिखना है ना, लाइन से लाइन की दूरी 90 और पौधे से पौधे की दूरी 60, मिनिएचर में 30x60 यानी 60x30 हो जाएगी, और क्लाइंबर में 120x90 हो जाएगी अगर आप पोली हाउस के अंदर कल्टीवेशन करते हैं। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे जो दी है वो थोड़ी उल्टी लिख लेना है ना, लाइन से लाइन की दूरी ज्यादा होती है, पौधे से पौधे की दूरी कम होती है। नेक्स्ट अपने बात करें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखो एक तो फर्टिलाइजर मैन्योर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं अपने जस्ट प्रूनिंग के बाद, वो तो करनी करनी है। उसके अलावा जब आप प्लांटिंग करोगे शुरू में, तो पहला जो न्यूट्रेंट फर्टिलाइजर दोगे 15 दिन के बाद दोगे प्लांटिंग करते हुए, 15 डेज आफ्टर प्लांटिंग। उसके बाद पहली बार फूल आए, फिर दूसरी बार फूल आए। देखो नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ती है इसलिए यहाँ पर जो जातियां वो एक ही बार पुष्पन देती है, साउथ इंडिया में ठंड नहीं पड़ती तो बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी जो किस्में साल में 2 बार फ्लावरिंग देते हैं, तो दोनों फ्लावरिंग के साथ आपको न्यूट्रेंट्स देना होता है। तो प्रूनिंग के बाद आप एडवर्ड रोज और रेड रोज के अंदर एनपीके का जो रेशियो दोगे वो 6:6:12 ग्राम प्रति प्लांट दोगे, और हाइब्रिड टी रोज और पोलियंथा और प्रोलीबंडा के अंदर आप दोगे 8:8:16 ग्राम में दोगे। उसके अलावा आपने बात करें तो पर प्लांट जो सालाना डोज दी जाती है वो FIM 10 किलो दिया जाता है, यूरिया 65 ग्राम, सुपर फास्फेट 25 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश है वो 50 ग्राम दिया जाता है। फोलियर के लिए आप दोगे 20 ग्राम मैग्नी सल्फेट, 15 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 10 ग्राम आयरन सल्फेट और 5 ग्राम के आसपास बोरॉन। प्रति लीटर पानी में इसका घोल बनाकर आप छिड़काव करते हो, जिससे फ्लावर भी बहुत शानदार आते हैं, चमकदार रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलती है। उसके अलावा आप ऑर्गेनिक मैन्योर देने के लिए ऑयल केक और बोन व्हील यूज कर सकते हो, यानी खलियां यूज कर सकते हो और हड्डियों का जो चूर्ण है वो काम में ले सकते हो, जिससे अपने नाइट्रोजन फास्फोरस अच्छी मात्रा में प्रोवाइड करवा सकते हैं। और ऑर्गेनिक मैन्योर दोगे तो सॉइल की फर्टिलिटी है वो प्रॉपर बनी रहेगी। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी दिए जाते हैं, जैसे GA3 जो 250 ppm का अगर स्प्रे करते हैं तो इससे क्या होता है, जो स्टेम होती है उसकी लेंथ, स्टेम और सूट की लेंथ बढ़ती है, जिससे कट फ्लावर की क्वालिटी शानदार आती है। नंबर ऑफ सूट और प्लांट्स, जो नंबर ऑफ सूट है पर प्लांट यानी शाखाओं की संख्या भी ज्यादा पनपेगी, जिससे फ्लावर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इंड्यूस अर्ली फ्लावरिंग, फूल जल्दी आएंगे तो मार्केट में प्राइस भी अच्छा मिलेगा। उसके अलावा
जो फ्लावरिंग का ड्यूरेशन है वो भी ज्यादा रहेगा, लंबे समय तक फूल आते रहेंगे जिससे फार्मर को ज्यादा फायदा होगा। उसके अलावा साइकोसिल ट्रिपल सी 3% का अगर छिड़काव करते हो तो ज्यादा बर्ड आते हैं, फ्लावरिंग ज्यादा आती है और जो बर्ड है उसका साइज इंक्रीज होता है जिससे उत्पादन बढ़ता है और मुनाफा है वो भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट अपने बात करें क्लासेज ऑफ रोज, यानी रोज की क्लासेज, यानी रोज का वर्गीकरण है। जो वैसे रोज को अपने दो कैटेगरी में, ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो है ओल्ड गार्डन रोज या जिसको अपने वाइल्ड रोज बोलते हैं, दूसरा है मॉडर्न गार्डन रोज। ओल्ड गार्डन रोज है उसको देसी रोज भी बोल दिया जाता है। अब देखो ओल्ड गार्डन रोज में कौन कौन सा आता है, ओल्ड गार्डन रोज इंक्लूडिंग क्रॉस बिटवीन यूरोपियन रोज और वाइल्ड रोज, उसके अलावा एशियन और चाइनीज रोज इंटू वाइल्ड रोज। इनका जो क्रॉस है वो जनरली ओल्ड गार्डन में आता है, यूरोपियन रोज है, वाइल्ड रोज है, एशियन है, चाइनीज रोज है और इनका वाइल्ड के साथ क्रॉस हो रखा है, ये सारे के सारे ओल्ड गार्डन में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे मॉडर्न गार्डन रोज के अंदर आते हैं यूरोपियन रोज और एशियन रोज है, इनका जो क्रॉस है वो किसमें आता है, मॉडर्न रोज में आता है। इसके अंदर हाइब्रिड टी रोज आता है, फ्लोरीबंडा आता है, मिनिएचर आता है, पोलियंथा आता है, रेम्बलर, स्क्रीपर और सर्ब्स आते हैं। और आजकल जो वर्तमान में अगर पॉपुलरिटी देखी जाए तो मॉडर्न गार्डन रोज जो है वो ही ज्यादा पॉपुलर है, वो ही ज्यादा लगाए जाते हैं। मैक्सिमम जो एरिया है अब पूरे वर्ल्ड में रोज का या कमर्शियल गार्डन का वो ज्यादातर मॉडर्न गार्डन रोज से ही है, ओल्ड गार्डन रोज बहुत ही कम क्षेत्र में लगाए जाते हैं, ठीक है। वैसे एशियाटिक और चाइनीज रोज है ये तो क्या करते हैं, साल में दो बार ब्लूमिंग होती है, इनमें दो बार फूल आते हैं। और यूरोपियन रोज जो है यानी टेम्परेट रीजन के शीतोष्ण जलवायु के, इनमें साल में एक ही बार फ्लावरिंग आती है। लेकिन यूरोपियन रोज की क्वालिटी अच्छी होती है इसलिए यूरोपियन और एशियाटिक का क्रॉस करवाया तो अब राउंड द ईयर भी फ्लावरिंग आती है और साथ साथ में इसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई जिससे मॉडर्न गार्डन रोज तैयार हुआ है। तो आज के टाइम मॉडर्न गार्डन रोज है वो ज्यादातर लगता है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ रोजेज में जो स्टेम है उसकी लेंथ के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन है, जैसे लॉन्ग स्टेम रोज, इसके जो स्टेम की लेंथ होती है वो 70 से 90 सेंटीमीटर तक होती है, फ्लावर्स लार्ज साइज का होता है और इसका एग्जाम्पल है हाइब्रिड टी रोज। दूसरा है मीडियम स्टेम रोज, जिसकी हाइट होती है 50 से 70 सेंटीमीटर स्टेम की और इसको इंटरमीडिएट फ्लावर यानी मध्यम आकार का बोला जाता है, इसमें फ्लोरीबंडा आता है। उसके अलावा शॉर्ट स्टेम रोज जो है इसकी जो स्टेम की हाइट होती है वो 30 से 50 सेंटीमीटर होती है, इसको स्मॉल फ्लावर्स बोलते हैं, जैसे स्वीट हार्ट रोज वगैरह है वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट है स्प्रे रोज, स्प्रे जिनका स्टेम नेक के बराबर होता है साथ में, तो इसमें आता है फ्लोरीबंडा आता है, जो स्प्रे फ्लोरीबंडा होता है। मिनिएचर रोज छोटे आकार का होता है, गमलों में लगाया जाता है, फूल भी इसमें छोटे छोटे आते हैं, तो इसमें स्वीट हार्ट रोज वगैरह आ जाते हैं। तो ये टाइप ऑफ रोज की बात है। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ रोज, इसमें एक होता है सिंगल, एक सेमी डबल और एक डबल। सिंगल कौन सा होता है, ऐसा रोज जिसमें पेटल की संख्या 8 से कम होती है उसको सिंगल रोज, जिसमें 8 से 20 पंखुड़ियां होती है यानी पेटल्स होते हैं उसको सेमी डबल, और 20 से ज्यादा पेटल होते हैं उसको डबल रोज बोल दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्लावर कलर टाइप, फ्लावर कलर के हिसाब से बात करें तो सिंगल कलर में आते हैं, जैसे रेड कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, कई कलर के फ्लावर्स होते हैं। बाई कलर, जिसके अंदर क्या होता है पेटल के अंदर डबल कलर दिखते हैं ना, दूसरे कलर का भी सेट दिखता है। तीसरा मल्टी कलर, इसमें जैसे फ्लावर के जो कलर होते हैं वो दो से ज्यादा होते हैं उसको अपने मल्टी कलर बोल देते हैं। नेक्स्ट है ब्लेंड, टू और मोर कलर्स मर्ज ऑन द इनसाइड द ईच पेटल्स, मतलब दो से ज्यादा या दो कलर है वो इस तरह से मिक्स होते हैं एक दूसरे के अंदर, पूरी तरह से मिक्स दिखाई देते हैं, उसको ब्लेंडेड टाइप बोल देते हैं। स्ट्रिपड, दो या दो से अधिक कलर जो होते हैं उनकी पेटल्स पे धारियां दिखाई देती है तो उसको अपने स्ट्रिपड बोल दे दिया जाता है। तो ये फ्लावर कलर टाइप्स के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन है, ये पर्टिकुलर वेराइटी टू वेराइटी दिखता है। अब अपने बात करें गुलाब की मुख्य जातियां यानी जो मेन स्पेसीज है, तो सबसे पहले अपने बात करें रोजा इंडिका, इसको देसी गुलाब या राजस्थान में इसको पुष्करी गुलाब भी कहते हैं और इसे व्यावसायिक स्तर पर जैसे राजस्थान के अजमेर जो एरिया है उसमें लगाया देखने को मिल जाता है। उसके अलावा रोजा इंडिका को रूट स्टॉक के रूप में भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है रोजा हाइब्रिडा प्रेपेचुलस, ये वैसे कम एरिया में लगाया जाता है, लूज फ्लावर के रूप में लगाया जाता है और इसे राजस्थान में गंगानगरी गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है रोजा सेंटीफोलिया, रोजा जो सेंटीफोलिया है यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कैबेज रोज भी बोलते हैं। देखो अभी अपने बात की रोजा इंडिका की, तो ये है रोजा इंडिका। दूसरा था अपने रोजा हाइब्रिडा प्रेपेचुलस, ये रोजा हाइब्रिडा प्रेपेचुलस है। तीसरा अपने बात करें ये है रोजा सेंटीफोलिया, ये आप जो देख रहे हो ये रोजा सेंटीफोलिया है। जो रोजा सेंटीफोलिया होता है
इसकी जो एरोमा सॉरी रोजा सेंटिफोलिया नहीं है ये, सॉरी रोजा सेंटिफोलिया मैं बात करूं तो ये है रोजा सेंटिफोलिया, ये रोजा सेंटी, ये रोजा इंडिका है, ये रोजा हाइब्रिडा प्रेपेचुलस है, और ये जो आप देख रहे हो ये जनरली रोजा सेंटिफोलिया है। इसमें देखो आप पंखुड़ियां बहुत सारी है, ये बहुत सारी पंखुड़ियां हैं, इसलिए इसको कैबेज रोज बोला जाता है। तो कैबेज यानी पत्ता गोभी, पत्ता गोभी की तरह बहुत सारी इसमें पंखुड़ियां, इसलिए इसको अपने क्या बोल देते हैं, कैबेज रोज बोल दिया जाता है। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो कैबेज, सबसे ज्यादा पेटल शायद आपको इसी में दिख रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कैबेज रोज बोला जाता है। और इसमें जो एसेंशियल ऑयल होता है, वाष्पशील तेल होता है, वो 0.01% होता है, 0.01% इसमें वाष्पशील तेल की मात्रा होती है। लेकिन इसके जो तेल की खुशबू होती है या इसकी जो असेंस होती है वो बहुत शानदार होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है रोजा सेंटिफोलिया की, यानी कैबेज रोज। फिर से ये फर्स्ट नंबर की जो पिक है ये रोजा इंडिका है, ये दो नंबर वाली है ये रोजा प्रपेचुलस हाइब्रिडा प्रपेचुलस है, और ये तीसरी है ये रोजा सेंटिफोलिया है। ये जो पिक्चर जो मैंने आपको सेंटिफोलिया बोला था, पहले गलत बोल दिया, यह रोजा डेमेशियाना, रोजा डेमेशियाना जो होता है इसके अंदर सबसे ज्यादा वाष्पशील तेल होता है, 0.04% होता है, 0.04%, नीचे लिख देता हूं मैं, सॉरी 0. यहां पे लिख रहा हूं 0.04% एसेंशियल ऑयल होता है, लेकिन सेंटिफोलिया में 0.01%। तो रोजा डेमेशियाना में सबसे ज्यादा वाष्पशील तेल की मात्रा होती है, इत्र बनाने के लिए या वाष्पशील तेल निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा जाति काम में ली जाती है वो रोजा डेमेशियाना काम में ली जाती है। इसमें तेल की मात्रा 0.04%। आपसे पूछ ले इत्र बनाने के लिए, परफ्यूमरी बनाने के लिए या फिर एसेंशियल ऑयल के लिए कौन सी जाति काम में लेते हैं, रोजा डेमेशियाना। लेकिन क्वालिटी वाइज सबसे बढ़िया कैबेज जो रोज है, यानी रोजा सेंटिफोलिया है, कैबेज गुलाब है, उसमें ज्यादा होती है। रोजा जो डेमेशियाना है इसको चेती गुलाब, दशमक गुलाब या बुल्गेरियन रोज भी बोला जाता है। और राजस्थान में बात करूं तो इसकी खेती ज्यादातर की जाती है राजसमंद की कमड़ोर तहसील में, उसके अलावा बूंदी का नोताड़ भोपत जो एरिया है वहां पर भी इसकी खेती काफी देखने को मिलती है। राजसमंद का कमड़ोर तहसील और बूंदी का नोताड़ भोपत एरिया है वहां पर इसकी खेती खूब होती है, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन के लिए और पूरे विश्व में भी सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन के लिए या इतर उत्पादन के लिए रोजा डेमेशियाना ही काम में लिया जाता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो प्रचलित है वो रोजा सेंटिफोलिया है। रोजा डेमेशियाना में ऑयल कंटेंट ज्यादा है 0.04 और सेंटिफोलिया में 0.01% है, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इत्र का उत्पादन बुल्गेरिया देश में होता है, और बुल्गेरिया में भी रोज इत्र उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और वहां पर रोज की रोजा डेमेशियाना किस्म लगाई जाती है, इसलिए रोजा डेमेशियाना को बुल्गेरियन रोज भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगली जो जाति है वो रोजा केना, इसे डॉग रोज भी कहते हैं। ये आप जो देख रहे हो ये रोजा केना है, इसको डॉग रोज कहा जाता है। नेक्स्ट है रोजा मोस्चाटा, इसे कुंज या मस्क गुलाब भी कहते हैं। ये जो आप देख सकते हो इसमें मस्क जैसी खुशबू होती है, इसलिए इसको मस्क या कुंज रोज कहा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट अपने बात करें रोजा गेल्सिया, इसको फ्रेंच रोज भी कहा जाता है, छोटा होता है ये फ्रेंच रोज है रोजा गेल्सिया जो आप यहाँ पर देख रहे हो। एक नंबर रोजा इंडिका, दो नंबर रोजा हाइब्रिडा प्रपेचुलस, ये तीन नंबर रोजा डेमेशियाना, ये चार नंबर जो आप देख रहे हो ये रोजा केना है, ये पांच नंबर आप देख रहे हो ये डॉग रोज है, ये छह नंबर जो आप देख रहे हो ये सेंटिफोलिया है, और ये सात नंबर आप देख रहे हो रोजा गेल्सिया यानी फ्रेंच रोज है। तो ये साथ साथ में आप डायग्राम से भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन अपना बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें टी रोज, देखो चाइना टी रोज या टी रोज क्या होता है, इसकी जो पत्तियां होती है पंखुड़ियां उसमें चाय जैसी खुशबू आती है, इसलिए इसको टी रोज बोल दिया जाता है। और इसकी फेमस किस्म है लेडी एलिंगडन और मोली शर्मन। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो हाइब्रिड टी रोज या संकर टी गुलाब, हाइब्रिड टी रोज और संकर टी गुलाब है ये क्रॉस से डेवलप किया गया है। किस किस का क्रॉस किया गया है, एक तो एशियाटिक और दूसरा यूरोपियन, यानी रोजा हाइब्रिडा प्रपेचुलस और चाइना टी रोज के संकरण से तैयार किया गया है। प्रजेंट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो रोज है वो हाइब्रिड टी रोज है। इसका स्टेम काफी लंबा होता है, सबसे जो शानदार कट फ्लावर होते हैं वो इसी के होते हैं, और इसकी एक ब्रांच पे एक स्टेम पर एक ही फ्लावर आता है, वो कट फ्लावर के लिए बहुत जरूरी है। इसमें रेड और ऑरेंज येलो बाई कलर सेंटेड फ्लावर्स, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स, कई कलर में फ्लावर्स देखने को मिलते हैं।
और इसकी जो पहली किस्म है वो ला फ्रेंस है, जो गुलेट नामक वैज्ञानिक ने डेवलप की थी। अब अपने बात करें इसकी अलग अलग रंगों के अनुसार किस्में, तो सबसे पहले व्हाइट कलर की किस्में यानी सफेद रंग की किस्में। सफेद रंग की किस्मों में तुषार, वीगो, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर होमी बाबा। नेक्स्ट अपने बात करें गुलाबी रंग की किस्में, गुलाबी रंग की किस्में कॉन्फिडेंस, फर्स्ट प्राइज और मिशेल मेलन। फिर अपने बात करें पीले रंग की किस्में, पीले रंग की किस्मों में गोल्डन जाइंट, मैक ग्रैंडी सनसेट, रंबा, गर्नेंडा, ग्रैंड मेरी जेनी, किंग रेमसम, उसके अलावा अल्जमीर गोल्ड है, गोल्ड मेडल है, गोल्डन स्टार है, गोल्डन टाइम है, येलो सक्सेस है और पूसा सोनिया है। ये येलो कलर की वेराइटी है। नेक्स्ट बात करें लाल रंग की, रेड कलर की जो है वो एवन, क्रिश्चियन डायर, एलेक्स रेड, क्रिम्सन गलोरी, मिस्टर लिंकन, ओक्लाहोमा, कालीमा, लाल बहादुर, भीम, एलेक्स रेड और हैप्पीनेस। उसके अलावा फर्स्ट रेड भी है इसके अंदर, और उसके अलावा मिस्टर लिंकन आ ही गया है, उसके अलावा रक्त गंदा है, ब्लैक लेडी है और मोंतीजुमा है। ये कुछ रेड कलर की पॉपुलर वेराइटियां हैं। नेक्स्ट है नीले रंग की वेराइटियां, ब्लू कलर की वेराइटियां। ब्लू कलर की वेराइटियों में ब्लू मीन लेडी एक्सल और अफ्रीकन स्टार है। उसके अलावा ऑरेंज कलर की जो वेराइटी है वो सुपरस्टार, समर हॉलीडे, प्रेजिडेंट और ग्रांड गाला है। उसके अलावा मिश्रित रंग की बात करें तो इसके अंदर बजाजो, फ्लेमिंग सनसेट और एकेबॉन। बाई कलर में और भी कुछ वेराइटी जैसे एविल स्पार्क, मदहोस, डबल डिलाइट, सुपीरिया, अभिसारिका, किस ऑफ फायर और टाटा सेंचुरी। ये बाई कलर वेराइटी यानी दो कलर वाली। नेक्स्ट अपने बात करें सेंटेड इसमें आती है, सेंटेड जो किस्में है वो एवोन, ग्रंडा, पापा मिलान, ब्लू परफ्यूम, एफिल टावर और ओक्लाहोमा। एफिल टावर एक ऐसी वैरायटी है जो कट फ्लावर में एरोमेटिक यानी साथ में सॉरी कट फ्लावर में साथ में सेंटेड होते हुए बहुत ही पॉपुलर है। ये मतलब ये कट फ्लावर में सेंटेड वैरायटियों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो एफिल टावर है। तो ये वैरायटियां हैं, आप अच्छे से यहाँ से याद कर लेना। हाँ, अगर हाइब्रिड टी रोज का प्लांट देखना चाहते हो तो ये हाइब्रिड टी रोज आप देख सकते हो, ये हाइब्रिड टी रोज का प्लांट है। हालांकि ये प्रॉपर ट्रेंड वगैरह नहीं किया हुआ, ये तो होम गार्डनिंग में लगाया हुआ है, लेकिन ये है हाइब्रिड टी रोज का प्लांट है। ठीक है, तो इसके देखो एक स्टेम पे एक ही फ्लावर देखने को मिल रहा है, किसी तरह के कोई क्लस्टर नहीं है, तो ये कट फ्लावर के लिए बढ़िया है। आप देखोगे इस ब्रांच की जो लेंथ है वो भी अच्छी खासी है, जो कट फ्लावर के गुणों को बढ़ाती है। तो ये अपना सबसे पहले हाइब्रिड टी रोज, और वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में सबसे जो पॉपुलर है वो हाइब्रिड टी रोज। ये एक ब्रांच पे एक ही फ्लावर आता है, स्टेम इसका लंबा होता है। नेक्स्ट अपने बात करें फ्लोरीबंडा, ये संकर टी रोज और पोली जो ड्वार्फ पोलिएंथा है उसके क्रॉस से तैयार हुई है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप दोनों में देख सकते हैं। ये बोना पोलिएंथा जो हाइब्रिड टी रोज है उसका क्रॉस बोना पोलिएंथा यानी हाइब्रिड टी रोज इंटू ड्वार्फ पोलिएंथा के क्रॉस से तैयार किया गया है। इसमें जो फ्लावर्स है वो क्लस्टर में आते हैं, आप देख सकते हो ये फ्लावर्स आपको क्लस्टर में देखने को मिलते हैं। तो ये जो फ्लोरीबंडा का था, ठीक है, और ये लूज फ्लावर के लिए ज्यादातर काम में लिया जाता है, कट फ्लावर में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। अगर अपने इसकी वैरायटी की बात करें तो सबसे पहले व्हाइट कलर की वैरायटी इसमें हिमांगिनी, आइसबर्ग, तोहीन और समरसनो। उसके अलावा अपने और भी वैरायटियां हैं, जैसे मैं बात करूं तो मेगर्टी मारेल है, उसके अलावा चिट्टोर है और चंद्रमा है। ये व्हाइट कलर की वैरायटियां हैं। नेक्स्ट अपने बात करें पिंक कलर की वैरायटियां तो डेली प्रिंसेस, क्वीन एल्बिजिथा और उसके अलावा प्रेमा और उसके अलावा नाइट आर्थर और ब्राइडल पिंक भी है। नेक्स्ट सिंदूरी कलर की जो वेराइटियां हैं, ठीक है, सिंदूरी कलर में जैसे अपने मो कलर जिसको बोल देते हैं, सोला, जेम्बारा और सिंडी पेंट्स यानी, उसके अलावा और भी वेराइटियां हैं सिंदूरी में, नीलम्बरी, एंजल फेस और अफ्रीकन स्टार भी है। लाल रंग की जो वेराइटियां हैं वो बंजारन और देवदासी है। उसके अलावा रेड कलर में ज्यादातर यही पॉपुलर है। पीले कलर में बात करें तो अपने ऑर्थरवेल, उसके अलावा डॉक्टर फॉर्म, उसके अलावा ऑल गोल्ड, उसके अलावा सी पीरल, उसके अलावा गोल्डन टाइम्स आता है। उसके बाद अपने ऑरेंज कलर में जाएं तो ऑरेंज कलर में डोरिज, नार्मोन, उसके अलावा सूर्या किरण और जोरिना जम्बेरा। और बाई कलर में जाएं तो बाई कलर में यानी डबल कलर में आपको मिलेगी प्रिया, एंजिलीफेज, लेवेंडर प्रिंसेस, उसके अलावा क्रिस्मा, उसके अलावा मस्क रेड, पेंट बॉक्स, नव सदाबहार और रेड गोल्ड और रेयर एडिशन।
और इसमें जो सेंटेड वेराइटी उसकी बात करें तो एंजल फेस और दैली प्रिंसेस आती है। नेक्स्ट है पोलियंथा, ये आप देख सकते हो ये पोलियंथा है, हाइब्रिड टी रोज और फ्लोरीबेंडा के क्रॉस से तैयार हुआ है और इसमें जो पॉपुलर वेराइटियां हैं वो अंजनी है, नर्तकी है, उसके अलावा स्वाति है, रश्मि है, प्रीति है और पिंक सावर है। ये पोलियंथा की पॉपुलर वेराइटी है, क्रॉस है इसका हाइब्रिड टी रोज इंटू फ्लोरीबेंडा है, ये आप और देख सकते हो सेम वही डायग्राम है, ठीक है, जो यहाँ पीछे पोलियंथा का आपने देखा। नेक्स्ट है बेबी गुलाब या मिनिएचर गुलाब, छोटा प्लांट होता है, पोट में लगाने के लिए सुटेबल होता है, फ्लावर भी छोटे छोटे होते हैं, ये देखिए आप फ्लावर, यहाँ देखो समझने की बात यह है कि जो अंगुली है पास में उसके साथ इसका रेशो देखो कितना, बहुत ही छोटे साइज का है ना, पोट प्लांट के रूप में लगाया जाता है और कई बार इसको कुछ समय के लिए इनडोर भी लगा लिया जाता है। इसमें जो किस्में हैं रेड कलर के अंदर तो है ब्यूटी सीक्रेट, डार्क ब्यूटी और फर्स्ट प्राइज, सॉरी फर्स्ट फायर, फर्स्ट प्राइज नहीं फर्स्ट फायर। व्हाइट कलर में ग्रीन आइस, जेड ट्रेल्स और एनी। पिंक कलर के अंदर विंडी सिटी, स्वीट फेरी और डिजलर। येलो में बेबी गोल्ड स्टार, केल गोल्ड, दहली स्टारलेट और मूव कलर के अंदर सिल्वर टिप और ब्लू बर्ड। ऑरेंज कलर के अंदर है एंजल, रिपेंसी और पिटिएट फोली। बाय कलर में स्टार स्ट्रिप और जेनी विलियम और अवर द रेनबो, ये वेराइटियां हैं। नेक्स्ट अपने बात करें लता गुलाब, क्लाइंबर या रेम्बलर के रूप में जो होता है, जिसका तना कमजोर होता है, सारे की जरूरत पड़ती है, काफी लंबा होता है, आप ये देख सकते हो ये इस बिल्डिंग पर ये क्लाइंबर है रोज की, ठीक है। तो ये अपने क्लाइंबर के रूप में डेकोरेशन के काम में आता है, कमर्शियली इसको नहीं लगाया जाता मेनली। इसमें रेड कलर की जो वेराइटियां है वो क्लाइंबिंग क्रिमिसन ग्लोरी, ब्लेज, कॉकटेल और ब्लैक बॉय है। व्हाइट में दिल्ली व्हाइट पियरल और सेल्डर व्हाइट, उसके अलावा रैम्बलर, अमेरिकन पियर और लेमार्क। पिंक कलर में है क्लाइंबिंग स्नो ग्रल, लेडी वाटरलू, उसके अलावा क्लाइंबिंग ऑफ सिल्क, उसके अलावा सॉफ्ट सिल्क, उसके अलावा क्लाइंबिंग पीस, उसके अलावा पिंक मेरेडन और उसके अलावा दहली पिंक पियरल भी होती है। लेमन कलर के अंदर है मार्शल नील, ऑल गोल्ड, गोल्डन सोवर और हाई मून है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रोज या मानक गुलाब। इसमें क्या होता है अपने जैसे तो रोज होता है वो एक झाड़ी होती है, सरब होती है, जमीन के पास से कई तने निकलते हैं, लेकिन अगर अपने इसमें कांट छांट करते हैं और एक सिंगल तना रखते हैं लगभग 50 से 150 सेंटीमीटर और ऊपर क्या करते हैं इसको बढ़ने देते हैं, फिर इसके ऊपर फ्लावर आते हैं तो ये देखो बहुत ही शानदार लगता है, इसको अपने स्टैंडर्ड रोज बोला जाता है। और इस पे कई बार अपने क्या है दो तीन कलर के फ्लावर की बडिंग भी कर लेते हैं, मल्टी बडिंग रोज में सक्सेस है, यानी एक ही तने पर कई बडिंग करके आप कई तरह के फ्लावर ले लेते हो ना, तो भी अपने इसको स्टैंडर्ड रोज ही बोलते हैं। और स्टैंडर्ड रोज या मानक गुलाब तैयार करने के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं वो रंबा, A1, क्रिमसन ग्लोरी, फ्लेमिंग सनसेट, विर्गो, मोंटीजुमा, आइसबर्ग और जम्बेरा है, जो स्टैंडर्ड रोज तैयार करने के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है बेंडिंग, देखो बेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जब अपने ग्रीन हाउस वगैरह कल्टीवेशन करते हैं, तो अपने क्या करते हैं भूस के पास से ही इसकी बेंडिंग कर देते हैं जनरली 5 सेंटीमीटर अबो से, और पहली जो बेंडिंग है वो प्लांटिंग के 35 डेज बाद करनी चाहिए ना, लगभग दो पहली या दूसरी 5 सेट लीफ आती है उस समय अपने को बेंडिंग करनी चाहिए, इससे प्रोडक्टिव ब्रांचेज होती है वो ज्यादा आती है और ब्लाइंड सूट होती है वो कम आती है। अगर बेंडिंग नहीं करते हैं तो ब्लाइंड सूट ज्यादा आएगी, जिससे क्या होगा प्लांट न्यूट्रेंट्स वगैरह ज्यादा अपटेक करेगा और उस रेशियो में प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी बेंडिंग है वो जनरली 2 साल बाद की जाती है, प्लांटिंग के 2 साल बाद की जाती है। बेंडिंग के बाद की जो बड होती है उसको काट देना चाहिए, जिससे क्या होता है थ्रिप्स और जो बड रूट होती है बड रोट जो होता है यानी कली का सड़न जो होता है उसकी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। तो बेंडिंग से क्या होता है, बेंडिंग से जो प्रोडक्टिव ब्रांचेज होती है वो ज्यादा आती है, पहली बात तो ये। दूसरा जो ब्लाइंड सूट होती है जो प्रोडक्शन नहीं देने वाली होती है वो नहीं आती है। तीसरा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बेंडिंग कब करनी चाहिए, पहली बेंडिंग मतलब पहली जो 5 लीफ जो होती है वो पहला सेट या फिर दूसरा सेट आए तब, यानी प्लांटिंग के 35 दिन लगभग बाद में। दूसरी बेंडिंग 2-1 साल बाद करनी चाहिए। बेंडिंग करने के बाद जो आगे की बड होती है उसको रिमूव करने से ये फायदा होता है थ्रिप्स और बड रोट की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बेंडिंग के फायदे होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें बड कैपिंग, तो बड होती है जनरली उस पर अपने इस तरह का कैप चढ़ा देते हैं, ये मतलब नेटेड कैप आता है, इससे क्या होता है बड का साइज अच्छा होता है और कॉम्पैक्ट होता है और जो कट फ्लावर होता है वो बहुत ही शानदार होता है, इसको बड कैपिंग कहा जाता है। डायग्राम से ही आप समझ गए होंगे कैपिंग क्या होती है।
अब अपने बात करें यील्ड की, है ना, प्रोडक्शन की बात करें तो लूज फ्लावर का प्रोडक्शन हो जाता है लगभग 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टर, और कट फ्लावर राइस का प्रोडक्शन हो जाता है लगभग 2.5 से 3 लाख फ्लावर्स हो जाते हैं। अगर मैं मीटर स्क्वायर के हिसाब से बात करूं तो लगभग पहले साल तो मीटर स्क्वायर में आपको 100 से 120 फ्लावर्स मतलब मिलेंगे, मतलब स्टिक्स मिलेगी कट फ्लावर्स। दूसरे साल ये मिलेंगे लगभग अपने 200 से लेकर 240। तीसरे साल ये पर मीटर मिल जाते हैं 300 से लेकर 360 कट फ्लावर्स मिल जाते हैं। अगर मीटर स्क्वायर में प्रोडक्शन पूछ ले, फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा 100 से 120 कट फ्लावर्स मिलेंगे, दूसरे साल कितने मिलेंगे 200 से 240, तीसरे साल कितने मिलेंगे 300 से 360 कट फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। ये जनरली यील्ड की बात है। तो लूज फ्लावर होते हैं इनकी हार्वेस्टिंग तो पूरी तरह से खिलने पे होती है, ठीक है, और जो कट फ्लावर होते हैं वो डिपेंड करते हैं कौन से मार्केट में ले जाने। अगर लोकल मार्केट में ले जा रहे हो तो उसके 1-2 पेटल जब अनफर्ल हो जाते हैं यानी उसे खुल से जाते हैं तब अपने उसको हार्वेस्ट करते हैं। और जो डिस्टेंस मार्केट पे ले जाना चाहते हो आप, लोकल मार्केट में तो 1-2 जब पेटल पंखुड़ी होती है अनफर्ल हो जाते हैं खुल जाते हैं तब अपने काटते हैं तोड़ते हैं। और अगर डिस्टेंस मार्केट में ले जाना है तो बड जब टाइट होती है और कलर दिखाने लग जाती है तब अपने उसको हार्वेस्ट करते हैं, खुल खिलने नहीं देना है। तो उससे क्या होगा, जब तक अपने दूर डिस्टेंस मार्केट के पे जाएगा तब तक वो क्या होगा, धीरे धीरे खिलता रहेगा। अब वो धीरे धीरे खिलता रहेगा, अगर हम खुले हुए को ले जाएंगे तो वो खराब हो जाएगा, उसका सेनेसेशन आ जाएगा, इसलिए टाइट बड की स्टेज में उसको हार्वेस्ट किया जाता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर काईक के विकार की, गुलाब के, तो गुलाब के काईक के विकार में आता है सबसे पहले ब्लाइंड वुड या ब्लाइंड शूट। देखो ब्लाइंड वुड या ब्लाइंड शूट क्या होता है, ऐसी शाखाएं निकल जाती है जिनमें मतलब प्रोडक्शन नहीं होता है, यानी अनप्रोडक्टिव जो ब्रांच होती है उनको ब्लाइंड शूट बोला जाता है। ये हो सकता है कि मतलब लो टेम्परेचर की वजह से हो या फिर इनसफिशेंट लाइट की वजह से भी होता है, उसके अलावा केमिकल रेजिड्यूस की वजह से होता है, इंसेक्ट पेस्ट फंगल डिजीज जो होते हैं उनके वजह से भी हो जाता है, कई बार कोई और भी रीजन रह जाता है। इसको नियंत्रण करने के लिए हमने पीछे बेंडिंग पढ़ा था, अगर बेंडिंग करते हैं तो ब्लाइंड वुड होती है वो खत्म हो जाती है, उसके अलावा ब्लाइंड वुड दिखे उनको काट देना चाहिए। नेक्स्ट है बुल हेड और माल फॉर्मेट फ्लावर्स। इसमें क्या होता है, जो सेंटर की जो पेटल्स होते हैं वो पार्शियली डेवलप होते हैं, मतलब पूरे ढंग से डेवलप नहीं होते, इस वजह से जो फ्लावर्स होता है वो ऐसे फ्लेट सा ही दिखता है, इसलिए इसको अपने बुल हेड या फिर माल फॉर्मेट फ्लावर बोल देते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से भी देखने को मिलता है, उसके अलावा कई बार क्या है कि थ्रिप्स के इन्फेक्शन से भी देखने को मिलता है, लो टेम्परेचर की वजह से भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके अलावा कलर फेडिंग, येलो कलर की वेराइटियां और पिंक कलर की वेराइटियों में देखने को मिलता है, जैसे येलो कलर की जो वेराइटी है तो उसके अंदर क्या होता है कलर ऐसे खराब हो जाता है, फेड हो जाता है, ये नाइट टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हो सकता है, ठीक है। और कई बार जो पिंक कलर की जो वेराइटी होती है उसमें नीला कलर दिखने लग जाता है, उसका जो कारण होता है वो ऑर्गेनिक फास्फेट का ज्यादा यूज कर लेते हैं, उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लिम्पनेक। लिम्पनेक क्या होता है, थोड़ा ऊपर से ऊंचाई से जमीन की ऊंचाई से तो जो तना होता है उसमें क्या होता है, ऐसे रोटिंग सी हो जाती है, सूख जाता है वो, जिससे ये ब्रांच होती है ऐसे गिर जाती है नीचे की तरफ, उसको लिम्प नेक बोला जाता है। नेक्स्ट है ब्लैकिंग ऑफ रोज पेटल। देखो जो रेड कलर की वेराइटियां होती है उसमें ब्लैकिंग देखने को मिलती है, कई बार तो एंथोसाइनिन का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से भी देखने को मिलता है, या लो टेम्परेचर की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा कई बार जैसे बकारा रोज है उसमें GA3 का उपयोग करने से भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट अब अपने बात करें पेस्ट मैनेजमेंट की, है ना, तो इसके जो मुख्य कीट है वो है एक तो एफिड, जिसका अटैक सबसे ज्यादा जनवरी फरवरी में होता है, और इसका साइंटिफिक नेम होता है मैक्रोसिफम रोजेई, और इसका कंट्रोल करने के लिए अपने 0.1% मेलाथियन या मेटास्टॉक्स 0.1 से 0.2% या रोगर 0.1 से 0.2% का छिड़काव करते हैं। दूसरा है रेड स्केल, इसका अटैक सबसे ज्यादा अगस्त से सितंबर में देखने को मिलता है, तो एफिड होता है उसमें निम्प और एडल्ट दोनों नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। रेड स्केल है ये सकिंग द सेप यानी रस चूसने का काम करता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है इंडिगैप्सिस रोजेई, और इसके नियंत्रण के लिए 0.1% मेलाथियन या फिर 0.25% पेराथियन का छिड़काव अप्रैल में करते हैं और उसके बाद फिर अपने अक्टूबर में करते हैं। नेक्स्ट है चाफर बीटल,
इसका जो अडल्ट है वो जनरली अगस्त से सितंबर में देखने को मिलता है, जो पत्तियों को खाने का काम करता है। और इसके नियंत्रण के लिए अपने डायमेथोइट 1.5 ml प्रति लीटर में डालकर या मोनोक्रोटोफास 1 ml प्रति लीटर में डालकर छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें कुछ मुख्य रोग की, तो मुख्य रोग में डाइबेक। वैसे तो डाइबेक जनरली कॉपर की कमी से होता है, लेकिन साथ साथ में डिप्लोडिया रोजेरियम जो फंगस होता है वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है। डाइबेक क्या होता है, पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगता है। तो अपने क्या करते हैं, जहां तक ये सूख जाता है उससे थोड़ा 1-2 इंच नीचे तक शाखा को काट दिया जाता है, उसके ऊपर बोर्डो पेस्ट या फिर चाबूतिया पेस्ट लगाया जाता है। प्लांट पैथोलॉजी के अंदर अपने पढ़ते हैं चाबूतिया पेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, 4 पार्ट तो कॉपर कार्बोनेट होता है, 4 पार्ट रेड लेड होता है, और उसके अलावा 5 पार्ट होता है वो लिनसीड ऑयल होता है। इनको मिक्स करके एक चाबूतिया पेस्ट बनाया जाता है या बोर्डो पेस्ट लगाया जाता है जहां से आपने काटा है। बोर्डो पेस्ट क्या होता है, 4 अनुपात में तो कॉपर सल्फेट होता है यानी नीला तोता होता है, 4 अनुपात में चूना होता है और 10 अनुपात में पानी होता है। तो इसको मिला के अपने बोर्डो पेस्ट बनाते हैं। तो अपने जितना ऊपर सूख गया उसे 1-2 इंच नीचे से काट के उसके ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है। बाकी फंजीसाइड का छिड़काव करते हैं जिससे ये डिप्लोडिया रोसेरियम होता है इसका कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। और बाकी अपने क्या है, 3 ग्राम प्रति लीटर में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला के या फिर कॉपर सल्फेट का अपने छिड़काव करते हैं जिससे कॉपर की जो कमी होती है उसका भरपाई हो जाती है। तो डाइबेक कॉपर की कमी से और डिप्लोडिया रोसेरम फंगस की वजह से होता है। नेक्स्ट है ब्लैक स्पॉट या लीप स्पॉट। ये पत्तियों पर इस तरह के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, ये डिप्लोकार्पोन रोजेई जो कवक है उसकी वजह से होता है। और इसके नियंत्रण के लिए अपने कोई सा भी फंजीसाइड जैसे कैप्टान, थायराम, कार्बेंडाजिम आदि का उपयोग करते हैं। लगभग 1-2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू आप देख सकते हो, ये पत्तियों पर सफेद रंग की मतलब ऐसे चूर्ण जैसी ग्रोथ हो जाती है और ये ऊपर जो ऊपर साइन लिए भाग होता है ना उस पर ज्यादा देखने को मिलती है। ये रोग तब ज्यादा होता है जब दिन तो गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती है, तब ज्यादा देखने को मिलता है रोज के अंदर। और इसका जो रोग कारक होता है वो होता है स्पेरोथेसिया पेनोसा, जो वेराइटी या पेथेवर है वो रोजेई, तो इसके कारण। और पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्णी पंपुदिया, इसको छाछिया रोग भी बोल देते हैं, इसके नियंत्रण के लिए अपने या तो वेटेबल सल्फर होता है उसका घोल बनाकर छिड़काव करते हैं या फिर केराथियन जो फंजीसाइड होता है उसका छिड़काव किया जाता है जिससे ये कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो और है, रोजास डेमेसियाना, जिसको हमने चेती गुलाब या फिर हमने इसको बोला था बुल्गेरियन रोज बोला था ना, तो जो चेती गुलाब या दसम गुलाब है उसकी प्रसिद्ध किस्में है नूरजहां, हिमरोज और ज्वाला। हिमरोज नाम से ही पता लग रहा होगा ठंडे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और ज्वाला गर्म क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। गुलाब का 1 लीटर वाष्पशील तेल यानी एसेंशियल ऑयल निकालने के लिए 3 से 3.5 टन फूलों की आवश्यकता होती है। पीछे आपने देखा होगा 1 हेक्टर में प्रोडक्शन होता है एवरेज 2.5 से 3 टन, यानी 1 लीटर तेल निकालने के लिए 1 हेक्टर के फूल चाहिए आपको या उससे भी ज्यादा फूल चाहिए। और जिनकी कीमत मार्केट में जो एसेंशियल ऑयल है 1 लीटर उसकी लाखों में कीमत होती है, 7-8 लाख लीटर से भी ऊपर की कीमत होती है। गुलाब की फर्स्ट रेड किस्म सर्वाधिक पॉली हाउस ग्रीन हाउस में लगाई जाती है इंडिया में। गुलाब में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है और नीला रंग होता है वो डेल्फोडीन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, नीला रंग डेल्फोडीन के कारण। गुलाब की नीले रंग की एक प्रसिद्ध किस्म है सांबा, काफी पॉपुलर है। डॉक्टर बी के रॉय चौधरी गुलाब के प्रथम पादप प्रजनक थे। डॉक्टर बी पी पाल ने गुलाब की अनेकों किस्में विकसित की है जिनमें से सबसे प्रसिद्ध किस्म है रोजा शरबत। डॉक्टर बीपी पाल जो आईसीआर के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे ना, डीजी थे, वैसे ये वीट के यानी गेहूं के पादप प्रजनक प्लांट ब्रीडर है। गुलाब की कांटे रहित किस्में पुसा, मोहित, ग्रांड गाला और सुचित्रा। गुलाब की उत्परिवर्तन द्वारा तैयार की गई जो म्यूटेशन से डेवलप की गई किस्में वो अभिसारिका, प्रिया, मदहोस, मोहिनी, पुसा मनसाद, पुसा मोहित, पेराडाइज आदि। गुलाब की जो टोपास किस्म है वो चूर्णी पंपुद के रोग के प्रतिरोधी है और गुलाब का सबसे खतरनाक रोग भी पाउडरी मिल्ड्यू है, सबसे जो खतरनाक ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और उसके प्रतिरोधी किस्म है वो चूर्णी पंपुद है। गुलकंद बनाते समय जो दलपुंज और चीनी का यानी पेटल और शुगर का जो रेशो रखा जाता है 1:2 या फिर दलपुंज 1 और चीनी 2 भी रख सकते हैं, यानी 1:2 भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं गुलाब में ही प्रोटेक्ट कल्टीवेशन की बात आती है। प्रोटेक्ट कल्टीवेशन होता क्या है, चारों तरफ से प्रोटेक्ट हो उसको प्रोटेक्ट कल्टीवेशन बोल देंगे, यानी पॉली हाउस, ग्रीन हाउस या लेथ हाउस में
ग्रीन जो मैट होती है उसको अपने ग्रीन हाउस या सेड हाउस बोल देते हैं, ये प्लास्टिक का जो बना हुआ है इसको पॉली हाउस बोल देते हैं, और कांच का बना होता है उसको लेथ हाउस बोल दिया जाता है। तो इनके अंदर अपने अगर कल्टीवेशन करते हैं तो उसको प्रोटेक्शन कल्टीवेशन बोलते हैं। यहाँ पे अपने रेडिएशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उसके अलावा इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज, इन सब को कंट्रोल में रखा जा सकता है। इन सब से अपने क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट कल्टीवेशन बोला जाता है। अब बात आती है कि व्हाई प्रोटेक्ट कल्टीवेशन, प्रोटेक्ट कल्टीवेशन क्यों? बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी शानदार हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, प्रोडक्टिविटी अपने आप ज्यादा होगी, हर चीज कंट्रोल है, कितना पानी देना है, कितना न्यूट्रेंट्स देना है, कितनी रेडिएशन, कितना टेम्परेचर, कितने रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इंसेक्ट आ नहीं रहा है, डिजीज आ नहीं रहा है, तो प्रोडक्टिविटी हाई होनी है। नर्सरी रेजिंग एंड द हार्डनिंग ऑफ प्लांट्स, हालांकि प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में नर्सरी तैयार करते हैं, जब पौधा छोटा होता है तब सेंसिटिव होता है तो उसको प्रोटेक्ट कल्टीवेशन, प्रोटेक्ट कंडीशन में लगाते हैं, बढ़िया हो जाता है, उसके बाद ओपन में करते हैं, लेकिन ये हमारा यहाँ रोज कल्टीवेशन का इशू नहीं है। उसके अलावा बेटर इंसेक्ट डिजीज कंट्रोल, प्रोटेक्ट कंडीशन है, बाहर से इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है, जिससे हम बहुत बढ़िया इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे जो पेस्टिसाइड है उनको रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे केमिकल फार्मिंग भी मिनिमाइज होगी और साथ साथ में अपने कॉस्ट भी कम लगेगी इंसेक्ट पेस्ट डिजीज कंट्रोल करने के लिए। हालांकि प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट जो आपने कंडीशन बनाई है पॉली हाउस ग्रीन हाउस, उस पर तो खर्चा करना ही पड़ेगा आपको। ऑफ सीजन कल्टीवेशन कर सकते हो, ऑफ सीजन कल्टीवेशन कैसे कर सकते हो, आप उसमें जितनी लाइट की जरूरत है उतनी लाइट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर दे रहे हैं, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रहे हैं, यानी पूरे का पूरा इन्वायरमेंट मॉडिफाई कर दिया और वैसा कर दिया जो प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए, तो फिर वो कोई से भी सीजन में प्रोडक्शन दे सकता है, उसके क्या प्रॉब्लम है। तो ऑफ सीजन कल्टीवेशन के लिए, और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का भी यूज बहुत एफिशिएंट होता है, लेबर वगैरह है, सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह है, एरिया है, ये सब चीजें हैं, प्रॉपर मतलब एफिशिएंटली यूज होती है, और पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होता है और उसकी क्वालिटी भी ज्यादा होती है, मार्केट में उसकी वैल्यू भी ज्यादा मिलती है। ये है प्रोटेक्शन कल्टीवेशन करने के हमारे ऑब्जेक्ट। अब देखो, हमने पीछे यहाँ साथ साथ में बात कर चुके हैं कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम और फैमिली, वैसे इसको किंग ऑफ फ्लावर जानेंगे अपने यहाँ पे, क्वीन ऑफ फ्लावर नहीं, रोज को किंग ऑफ फ्लावर बोलेंगे, ठीक है, ये सारा अपना डिस्कस हो चुका है। उसके अलावा अपने बात करें सोयल की, तो सोयल ओपन कंडीशन में चाहिए, वैसे ही अपने किस में प्रोटेक्ट कंडीशन की अपने को जरूरत पड़ती है। टेम्परेचर 15 से 27 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है, और जब जिस समय फ्लावरिंग होती है उस समय अपने को टेम्परेचर कितना मैनेज करना है, 15 से 16 डिग्री करना है, जिससे फ्लावर की जो क्वालिटी होती है वो शानदार होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो 60 से 70 जो होगी वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। वैसे तो ग्रीन हाउस पॉली हाउस के अंदर अपने क्या करते हैं, 70 प्लस माइनस 5 रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखते हैं, प्लस माइनस 5 का मतलब 65 से 75 होगी, और 60 से 70 जो होती है वो ओपन कंडीशन के लिए होती है, तो ये अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखो, जो प्रोटेक्ट कंडीशन है उसके अंदर कौन कौन सी वेराइटियां ज्यादातर जो पॉपुलर लगाई जाती है, इसमें लॉन्ग स्टेम रोज की वेराइटी जो है वो है जिसकी स्टेम लेंथ 50 से 120 सेंटीमीटर होती है, जिसे हाइब्रिड टी रोज में अपने बात कर रहे थे, और इसकी जो यील्ड होती है वो लगभग 100 से 150 स्टेम प्रति मीटर स्क्वायर पर साल होती है, यानी एक साल में एक मीटर से अपने को 100 से 150 कट फ्लावर मिलते हैं, और ये लंबे स्टेम वाली होती है, इनका मार्केट में प्राइस ज्यादा मिलता है। तो ये है विवेलादी, फर्स्ट रेड, ग्रांड गाला और कॉन्फिटी, ये वेराइटियां हैं, ये लॉन्ग स्टेम के रूप में लगाई जाती है, ठीक है। मीडियम स्टेम रोज, इसकी लेंथ होती है 50 से 70 सेंटीमीटर और इसका एक साल में पर स्क्वायर मीटर से लगभग कट फ्लावर अपने को मिल जाते हैं, 220 कट फ्लावर मिल जाते हैं। इसके लिए वैरायटी लगाते हैं जेगुआर, गोल्डन टाइम, मेरोनेसी, उसके अलावा इम्बेडा, उसके अलावा गैब्रिला, ये मीडियम स्टेम रोज वैरायटी है। स्मॉल फ्लावर्स रोज जो है इसकी स्टेम की लेंथ 30 से 70 सेंटीमीटर तक होती है, सॉरी 30 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। यील्ड ज्यादा होती है इसकी पर मीटर स्क्वायर में एक साल में लगभग 250 से 350 कट फ्लावर मिल जाते हैं। और इसके लिए जो वेराइटियां हैं पॉपुलर वो है मोटेरा, उसके अलावा क्रोनेटी, उसके अलावा कैलिप्सो और केरोना, ये जो वेराइटियां ये जनरली लगाई जाती है।
नेक्स्ट अपने बात करें प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन टी बडिंग से ही करते हैं, और प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में रोजा इंडिका, रोजा केन्या, मैंने आपको पीछे रूट स्टॉक बताए थे, वो जनरली काम में लिए जाते हैं। अब बात आती है बेड प्रिपरेशन। जनरली जो बेड की चौड़ाई रखते हैं वो 90 सेंटीमीटर रखते हैं, ऊंचाई है वो अपने जनरली 45 सेंटीमीटर रखते हैं, और जहां से बेड बनाना शुरू कर रहे हैं बेस से 100 सेंटीमीटर और टॉप से कितनी रखेंगे 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। लेंथ अपने पास एरिया है उसके अकॉर्डिंग रखी जाती है, ठीक है। और इसके जो सॉइल होती है इसमें 50% ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए और 50% सॉइल होनी चाहिए, ठीक है। इनका मिक्सर तैयार किया जाता है और सॉइल को पहले अपने स्टरलाइज कर देते हैं यानी निर्जीवीकरण बिना जीव के कर देते हैं। इसके लिए अपने फॉर्मेल्डिहाइड 0.3% है वो काम में लिया जाता है, जो मिक्स करके और इसको ढक दिया जाता है जिससे सॉइल स्टरलाइज हो जाती है, और सॉइल स्टरलाइज होने के बाद अपने क्या करते हैं ये बेड तैयार कर दी जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें प्लांटिंग। देखो जो प्लांटिंग है जनरली अपने बात करें प्लांटिंग डिस्टेंस की, एक प्लांट से लेकर दूसरे प्लांट के बीच का जो डिफरेंस रखा जाता है वो रखा जाता है 16 सेमी, और अगर अपने दो लाइनों के बीच की बात करें एक क्यारी पे तो लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। जो आप एक बेड बना रहे हो जनरली उस बेड पर आप दो लाइनें लगाओगे, ठीक है, एक तरफ ये और एक ये तरफ दो लाइनें लगा दोगे, तो कई बार अपने डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर भी कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें अगला है, अगर हम टेम्परेट कंडीशन के अंदर बात कर रहे हैं तो टेम्परेट कंडीशन के अंदर तापमान सर्दियों में कम होता है उसको बढ़ाने के लिए अपने हीटिंग सिस्टम लगाना होता है। तो हीटिंग सिस्टम अपने क्या करते हैं, हीटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग तरह के हीटिंग सिस्टम आते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, ये होता है, ये सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा और भी जैसे विद्युत हीटर, जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर वगैरह है, हॉट वाटर बॉयलर वगैरह है, उनको भी काम में लिया जाता है, जैसे पाइप कोयल हीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर यूज विद द हाई प्रेशर हॉट वाटर बॉयलर। तो पाइप कोयल हीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो हॉट वाटर बॉयलर होता है उसके थ्रू चलता है, ये भी सिस्टम काम में लेते हैं, या फिर हीटर वगैरह भी होते हैं वो भी काम में लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट है वो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है जिसको अपने टेम्परेचर बढ़ाने के काम में लिया जाता है। तो इससे अपने क्या होता है कि जैसे सर्दियों में टेम्परेचर जीरो होता है तो इसका यूज करते हुए अपने 15.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है कूलिंग। जो एरिया वार्म है, गर्म है, या समर सीजन की बात करें या टेम्परेट रीजन में ही समर सीजन की बात करें तो वहां पे अपने को कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है। कई तरह के कूलिंग सिस्टम होते हैं लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है पोली हाउस ग्रीन हाउस के अंदर वो होता है फैन पेड कूलिंग सिस्टम। एक तरफ इसमें क्या होता है फैन पेड लगा होता है और दूसरी दीवार, जैसे मान लो इस तरफ फैन पेड लगा दूसरी तरफ एग्जॉस्टर लगा होगा, इसके अंदर पानी लगातार सर्कुलेट होता रहता है और जब बाहर से अंदर की तरफ हवा आती है तो इस पैड से होते हुए, आपने कूलिंग सिस्टम देखा होगा ट्रैक्टर वगैरह में ना, रेडिएटर वगैरह आगे लगा होता है उसमें भी तो पैड लगा होता है, उस तरह का पैड होता है, या आजकल कुछ कूलर आते हैं तो उनके अंदर लगा होता है ना पैड लगा होता है, तो उस तरह का पैड होता है, उसमें पानी सर्कुलेट होता रहता है, बाहर से हवा आती है तो वो ठंडी होके आती है और दूसरी तरफ से जो पहले हवा होती है वो एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से इससे टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ठीक है, सॉरी 10 से 25 के बीच में नहीं, बाहर का जो टेम्परेचर है उससे 10 से 25 कम हो जाता है, जैसे बाहर का 40 है तो उसमें इतनी कमी आ जाएगी कि ये 10 से 25, बाकी फैन पेड पे डिपेंड करता है ये कैसा है किस क्वालिटी का है, तो बाहर के टेम्परेचर के कंपेयर में टेम्परेचर है वो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस है वो कम हो जाता है, तो फैन पेड कूलिंग सिस्टम है वो जनरली काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें लाइट। देखो लाइट का ड्यूरेशन और लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ग्रोथ और जो फ्लावर की जो क्वालिटी है उसको प्रभावित करती है। जैसे गर्मियों में बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी होती है जिससे शाइनिंग चली जाती है फूलों की और क्वालिटी गिर जाती है, इसलिए जो पॉली हाउस वगैरह होता है उसके अंदर जो मेट होती है जो सेट डेवलप करती है यानी छांव विकसित करती है उसके द्वारा अपने लाइट की इंटेंसिटी गर्मी में 10,000 से लेकर 12,000 तक होती है उसको घटाकर कितना कर देंगे अपने 6,000 से 8,000 कर देंगे लाइट इंटेंसिटी। उसके अलावा अपने बात करें अगर विंटर के अंदर अगर अपने लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, अगर लेस लाइट रहती है कम लाइट रहती है तो मैच्योरिटी लेट हो जाती है, अगर विंटर के अंदर अपने 1% लाइट इंक्रीज करते हैं तो फ्लावर यील्ड है वो 0.6% तो बसंत ऋतु में और 0. ऑटमम में और 0.8% है वो स्प्रिंग में बढ़ जाती है, और अगर हम 12% लाइट को रिड्यूस करते हैं तो 14% तक जो फ्लावर यील्ड होती है वो सोनिया किस्म और इलोना किस्म है उसके अंदर गिर जाती है।
लाइट है वो वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करती है। इंटेंसिटी पूछ ले तो गर्मियों में अपने को घटा के 6000 से 8000 के बीच में रखनी है, और सर्दियों में लाइट इंटेंसिटी होती है वो इंक्रीज करनी होती है। अब अपने बात करें सप्लीमेंट्स ऑफ लाइट, ठीक है, गर्मियों में ज्यादा लाइट होती है तो अपने मेट लगा देते हैं जिससे छांव रहती है, लेकिन सर्दियों में लाइट तो हम इसके लिए आर्टिफिशियल जो लाइट डेवलप करते हैं वो चीजें काम में लेते हैं, जैसे प्रेशर मरकरी काम में लेते हैं, हाई प्रेशर मरकरी, मेटल हेलाइड काम में लेते हैं, लो प्रेशर सोडियम और हाई प्रेशर सोडियम जो लैंप होते हैं उनको काम में लिया जाता है, जिससे अपने लाइट डेवलप कर सकते हैं और लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो जनरली बेसिकली तीन ग्रुप के अंदर जो लाइट क्रिएट करते हैं उनको रखते हैं, एक तो फ्लोरोसेंट होता है और उसके अलावा इनकैंडेसेंट होता है और हाई इंटेंसिटी डिस्चार्जेज होते हैं। हाई इंटेंसिटी डिस्चार्जेज के अंदर जैसे हाई प्रेशर मरकरी है, मेटल हैलाइड्स है, लो प्रेशर है सोडियम एंड हाई प्रेशर सोडियम जैसी लाइटें आती जिनका अपने उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का, जो फोटोसिंथेसिस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और मतलब फोटोसिंथेसिस से ही प्रोडक्शन। तो जनरली अपने पॉली हाउस ग्रीन हाउस के अंदर जब रोज प्रोडक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं 1200 से लेकर 2000 ppm रखते हैं, ठीक है, जिससे जो फ्लावर है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, फ्लावर का साइज भी बड़ा होता है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड इन रिच प्लांट्स ऑफ रोज सोनिया इल 25% मोर मार्केटेबल ब्लूम्स ओवर द पीरियड फॉर द दिसंबर टू मार्च देन द नॉन इन रिच प्लांट। सामान्य अगर सोनिया किस्म लगा रखी है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आप कंट्रोल कर रहे हैं तो ये 25% तक प्रोडक्शन बढ़ा देती है दिसंबर से मार्च के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी पॉली हाउस ग्रीन हाउस के अंदर 70%± 5 रखी जाती है, ठीक है, लगभग 65% से 75% के बीच में रखी जाती है। वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब जो गैसेज है वो चेंज होती रहनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 1200 से लेकर 2000 ppm रहना चाहिए, ऑक्सीजन भी प्रॉपर वहाँ रहनी चाहिए जिससे प्रोडक्शन अच्छा होगा। नेक्स्ट है बेंडिंग, बेंडिंग अपने पीछे बात कर चुके हैं, डिसबडिंग भी बात कर चुके हैं, जैसे ये यहाँ पे देख सकते हो आप डिसबडिंग में, जैसे यहाँ पे आप एक स्टेम पे 3 बड दिख रही है, एक छोड़ दी, 3 आपने हटा दी, तो जो एक्स्ट्रा बड है ये यहाँ पे एक ही छोड़ी आपने, तो एक्स्ट्रा बड को रिमूव कर देते हैं जिससे कट फ्लावर की क्वालिटी बहुत आती है, जिसको अपने डिसबडिंग बोलते हैं। उसके अलावा पिंचिंग लूज फ्लावर के लिए प्रैक्टिस में लेते हैं, अपने बात कर चुके हैं, साइडों में ज्यादा शाखा निकलेगी अगर टिप पार्ट को अपने तोड़ दिया तो। नेक्स्ट अपने बात करें पिंचिंग के बाद रिमूविंग ऑफ पेटल फ्लावर्स, जो फूल झड़ गए हैं उनका पीछे जैसे हिप्स वाला जो पार्ट बच गया उसको अपने हटा देना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करें स्पॉट सिस्टम, रोज को अगर अपने स्पॉट्स दे देते हैं, सारा दे देते हैं तो स्टेम बिल्कुल सीधा होता है, प्रोडक्शन की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, डैमेज बहुत कम देखने को मिलता है, जिससे ब्रांचेज वगैरह होती है वो बेंड नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रूनिंग, देखो प्रूनिंग अपने पीछे बात कर ही चुके थे, ओपन कल्टिवेशन वैसे ही प्रोटेक्ट कल्टिवेशन में प्रूनिंग की जाती है। प्रूनिंग करते समय जब ब्रांच को काटा जाता है बड से थोड़ा ऊपर काटते हैं और लगभग 45 डिग्री कोण पे काटते हैं, ये कोण है ये 45 डिग्री रखा जाता है, बड डैमेज ना हो जाए ये ध्यान रखना है। प्रूनिंग है वो अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं, मॉडरेट प्रूनिंग, अगर हल्की करना है तो ये देखो पूरा प्लांट था, हल्की ये होगी, मॉडरेट ये होगी और सीवर प्रूनिंग ये होगी, ये अपने उद्देश्य पर डिपेंड करता है उद्देश्य क्या। विंटरिंग इन रोज, विंटरिंग इन रोज क्या होता है, जैसे जहां पर रोज का स्टेम होता है उसके पास अपने क्या करते हैं एक रिंग बना देते हैं थोड़ी गोलाई के अंदर, गोलाई के अंदर रिंग बना देंगे जिसमें जो भी ब्रांचेज वगैरह जो भी रूट वगैरह आएगी उनकी काट छांट कर दी जाती है, उस टाइम के लिए इसको ओपन छोड़ दिया जाता है और उसके बाद क्या करते हैं इसके अंदर मैन्योर्स वगैरह जो कार्बनिक खाद वगैरह भर के वापस रख दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे विंटर के अंदर इसमें डैमेज नहीं देखने को मिलता है सर्दियों के अंदर, और प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है कुछ समय के लिए, रेस्ट ले लेता है, जिससे बाद में जब उसमें ग्रोथ होती है तो बहुत शानदार होती है और प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसको विंटरिंग, अपने आर्टिफिशियली उसको रेस्ट देने के लिए अपने क्या करते हैं विंटरिंग। विंटरिंग की जो प्रैक्टिस है वो साउथ इंडिया में की जाती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो रोज है वो ऑटोमेटिकली डोरमेंसी में चला जाता है, रेस्ट में चला जाता है कुछ समय के लिए, तो उसको आर्टिफिशियल रेस्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन साउथ में तो सर्दी पड़ती नहीं है तो उसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है जिससे क्वालिटी गिर जाती है, इसलिए कुछ समय के लिए उसको रेस्ट देने के लिए अपने स्टेम से कुछ दूरी पर गोलाई में अपने रिंग मतलब ऐसे खोद लेते हैं मिट्टी की, उसमें जो भी रूट वगैरह आती है उसको काट देते हैं,
बाद में 10 से 1 दिन खुला छोड़ के उसमें कार्बनिक खाद वगैरह भर के उसको वापस ढक देते हैं। फिर अगली जो ग्रोथ होगी बहुत अच्छी होगी और बाद में फ्लावर बहुत शानदार क्वालिटी के आएंगे। इसके लिए अपने क्या करते हैं, अगस्त के बाद जो भी फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं वो देने बंद कर देते हैं, फिर धीरे धीरे वाटर है वो भी देना कम कर देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अपने क्या करते हैं, जैसे जो डोरमेंट ऑयल स्प्रे होती है वो अपने स्प्रे करते हैं जिससे प्लांट मतलब डोरमेंसी में चला जाता है, ठीक है। ध्यान रहे कि पौधा सूख ना जाए, बिल्कुल डिहाइड्रेट ना हो जाए ये काम करते समय, ठीक है। और ज्यादा सीरियस प्रूनिंग भी नहीं करते हैं जिनके अंदर अपने विंटरिंग कर देते हैं, क्योंकि उसको आर्टिफिशियल रेस्ट दे दिया, अब उसका जो प्रोडक्शन होगा वो आगे होगा। तो विंटरिंग जो क्रिया है वो गुलाब में आर्टिफिशियल रेस्ट देने के लिए की जाती है और साउथ इंडिया में ये प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें वाटर मैनेजमेंट, तो देखो एक तो जो अपने जनरली क्या होता है पॉली हाउस ग्रीन हाउस या प्रोटेक्ट कंडीशन होती है, वहां तो एक तो नोजल के द्वारा यानी मिस्ट कंडीशन के द्वारा पानी दिया जाता है, दूसरा ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दिया जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन से कभी भी अपने पानी नहीं देते हैं, क्योंकि फोलिए जो डिजीज होते हैं यानी जो वनस्पति ऊपर जो वनस्पतिक भाग है उसमें जो रोग होते हैं वो ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए या तो नोजल से पानी दिया जाता है या फिर ड्रिप इरिगेशन से पानी दिया जाता है, ठीक है। फोलियर इतना सुटेबल नहीं है, स्प्रिंकलर इतना सुटेबल नहीं है, ठीक है। फोलियर डिजीज होने के चांसेस यानी फुहारा विधि इतनी काम की नहीं है। बूंद बूंद सिंचाई विधि बहुत बढ़िया है, नोजल मिस्ट सिस्टम है वो काम में लिया जाता है। न्यूट्रेंट मैनेजमेंट की बात करें तो ऑर्गेनिक मिक्सर है वो 10 से 15 किलो प्रति मीटर स्क्वायर दिया जाता है, वैसे 15 किलो प्रति मीटर स्क्वायर दे देना चाहिए। उसके अलावा अपने बात करें प्लांटिंग से पहले अपने 2 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 1 किलो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और आधा किलो MOP है वो सॉइल के अंदर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे देना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अपने नाइट्रोजन और पोटास है वो फर्टिगेशन के द्वारा दे देना चाहिए। बाकी डोज अपने पीछे बात कर रही थी। वीड मैनेज हाथों से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है और उसके अलावा केमिकली भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। देखो हार्वेस्टिंग की अपने बात करें तो हार्वेस्टिंग से पहले कैपिंग करनी चाहिए, अपने वो पीछे बात कर रहे थे जब ओपन कल्टीवेशन का प्रैक्टिस है ही है वो ऑब्जेक्ट भी क्या वो भी बता दिया था। और जिस समय हार्वेस्ट करते हैं उस समय डैमेज भी नहीं होना चाहिए, हार्वेस्टिंग शार्प नाइफ से करनी चाहिए। देखो लूज फ्लावर प्रोडक्शन करें ओपन कल्टिवेशन में ही करते हैं लूज फ्लावर प्रोडक्शन, तब तो पूरे खुले हुए फूल काम में लेते हैं। कट फ्लावर में अगर आप लोकल मार्केट में ले जा रहे हो तो 1 से 2 पंखड़ी जब अनफर्ल हो जाती है यानी 1 से 2 पंखड़ी ऐसे खुलने से लग जाती है तब हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस मार्केट पे फूल को लेके जाना है तब आप क्या करोगे, जब बड टाइट होगी और कलर दिखाना शुरू कर देगी तब आप उसको हार्वेस्ट करोगे डिस्टेंस मार्केट के लिए दूर के बाजार में ले जाने के लिए। नेक्स्ट अपने बात करें पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। देखो कट करेंगे उसके बाद ग्रेडिंग करेंगे इनकी, फिर इनकी बंचिंग करेंगे 3 फ्लावर 6 फ्लावर 12 फ्लावर ज्यादा 6, 12 और 20 फ्लावर की जो पैकिंग है वो देखने को मिलती है आपको, ठीक है। तो इनकी पैकिंग इस तरह से की जाती है ताकि ये स्टोरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान डैमेज ना हो। फिर इनको क्या करते हैं अपने कॉर्गोरेटेड फाइबर बॉक्स जो होता है उसके अंदर अपने डाल दिया जाता है। तो ये कॉर्गोरेटेड फाइबर बॉक्स है इसके अंदर जिससे अपने ये डाल दिया गुलाब, ये केबल टाई होता है और ये कोहेजनिंग मटेरियल होता है जिससे क्या होता है इनको डैमेज नहीं होता है। तो ये इस तरह के बॉक्स बने होते हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान डैमेज देखने को नहीं मिलता है। अब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अपने क्या करते हैं इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कौन कौन सा काम करते हैं या फिर हार्वेस्टिंग के बाद अपने इनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं। इट रिस्टोर द ट्रिगर ऑफ द फ्लावर्स विल्टेड आफ्टर हार्वेस्ट स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान स्टोरेज के दौरान या हार्वेस्टिंग के बाद इनमें क्या होता है पानी का लॉस हो जाता है जिससे ये पौधे मुरझाने लग जाते हैं, तो उससे अपने को बचाना होता है। इसके लिए अपने कंडीशनिंग इज डन विथ द डीमिनलाइज वाटर सप्लीमेंट्स विद द जर्मिसाइड एंड द एसिडिफाइड विथ द सिट्रिक एसिड। इसके लिए अपने क्या करते हैं जो डीमिनलाइज वाटर होता है उसके अंदर जर्मिसाइड डाल के और सिट्रिक एसिड डाल दिया जाता है जिससे क्या होता है ये जो प्लांट होते हैं इनसे नमी का हास होने के चांसेस नहीं होते और फंगस वगैरह का भी अटैक नहीं होता है, जिससे जो स्टेम होता है उसमें ब्लॉकिंग वगैरह नहीं देखने को मिलती है। कुछ वेटिंग एजेंट होते हैं जैसे ट्विन 20, ये अपने 0.01 से 0.10% तक अपने काम में ले सकते हैं जिससे मॉइस्चर लॉस नहीं होता है। पल्सिंग जनरली क्या होता है जैसे हार्वेस्टिंग के बाद अपने स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान 2 से 10% अपने चीनी का जो घोल होता है सुक्रोज का जो घोल होता है वो बना लिया जाता है और उसके अंदर जो स्टेम है उनको रख दिया जाता है
तो उससे क्या होता है, जैसे पानी ऊपर उठता है तो तने से पानी और ऊपर चला जाता है, तो वो जो जितना पानी लॉस हो रहा है उतने पानी की भरपाई हो जाती है। अगर हम इसमें जर्मिसाइड का उपयोग कर लेते हैं और सिट्रिक एसिड का यूज कर लेते हैं इसके साथ, तो जो तना है उसके ब्लॉकेज होने के चांसेस नहीं होते हैं और किसी तरह की कोई फंगस वगैरह लगने के चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट बड ओपनिंग, देखो प्रॉपर बड ओपन कराने के लिए अपने क्या है, कुछ हार्मोन्स होते हैं उनका भी उपयोग किया जाता है जिससे बड है वो प्रॉपर ओपन होती है। तो जो सुक्रोज का अपने पल्सिंग ट्रीटमेंट के लिए जो पानी लिया उसी के अंदर अपने इनका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट होल्डिंग, आफ्टर पल्सिंग एंड द स्टोरेज फ्लावर आर द हेल्ड इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग सुक्रोज जर्मिसाइड इथिलीन इनहिबिटर और ग्रोथ रेगुलेटर का जो मिक्सर होता है उसके अंदर रख दिया जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं होल्डिंग, जिससे इसकी सेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। इथिलीन इनहिबिटर इसलिए क्योंकि इथिलीन से निषेचन लाता है, जीर्णता लाता है, जल्दी फूल है उसको खराब कर देता है, तो इथिलीन इनहिबिटर अपने को डालना चाहिए। द फ्लावर कैन बी कीप्ट इन द होल्डिंग सॉल्यूशन आइदर एट द होलसेलर रिटेलर और कंज्यूमर लेवल, हर लेवल पे जहां जहां अपने उसको रखना है वहां पे अपने होल्डिंग सॉल्यूशन है वो काम में लिया जाता है, ठीक है। वैसे ये मैंने यहाँ फटाफट बताया, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उसमें पूरा डिटेल से बताएंगे। कंडीशनिंग करते हैं, यानी कंडीशनिंग का बोले तो हार्डनिंग करते हैं, हार्डनिंग का मतलब उसमें नमी उड़ने से बचाते हैं और उसको विपरीत परिस्थिति में रहना सिखाते हैं, जिसके लिए अपने वेटिंग एजेंट जैसे ट्विन जैसा काम में लेते हैं और जर्मिसाइड जर्म से बचाने के लिए जर्मिसाइड काम में लेते हैं, तने को ब्लॉक होने से बचाने के लिए सिट्रिक एसिड वगैरह काम में लिया जाता है। फिर पल्सिंग की जाती है, 2-20% चीनी के घोल में रखा जाता है जिससे क्या होता है पानी की भरपाई हो जाती है और साथ साथ में सुक्रोज है वो क्या कर देगा शुगर यानी भोजन देगा, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, रेस्पिरेशन से जो फूड लॉस होता है उसकी भरपाई कर देता है, जिससे जो मतलब पेटल पंखुड़ियां होती है वो मुरझाई हुई सीने लगती है। उसके अलावा जो अपने यहाँ पे पल्सिंग ट्रीटमेंट लेते हैं होल्डिंग सॉल्यूशन उसमें बड ओपनिंग हार्मोन काम में लेते हैं जिससे शानदार ओपनिंग होती है। उसके बाद होल्डिंग सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें सुक्रोज जर्मिसाइड इथिलीन इनहिबिटर और ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जिनका घोल बना हुआ होता है जिसके अंदर अपने कट फ्लावर्स को अपने रख देते हैं तो उसकी सेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, लंबे समय तक वो बना रहता है तो उसको अपने होल्डिंग सॉल्यूशन कहते हैं। जहां भी फ्लावर्स रखे होते हैं लंबे समय तक के लिए रखने हैं तो होल्डिंग सॉल्यूशन में, जिससे वो फ्रेश और ताजा लगते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन कल्चर, हाइड्रोपोनिक सिस्टम भी आजकल चल गया है जिसके अंदर जो पानी होता है उसके अंदर जितने प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे के सारे उसमें मिल जाते हैं, बिना मिट्टी का मीडिया होता है जैसे इसमें लगा दिया जाता है ये, तो ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम होता है। तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम से भी रोज ग्रो किया जाता है, अभी टेक्निक फार्मर द्वारा ज्यादा अडॉप्ट नहीं की गई है इसलिए ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कम ही होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें डिजीज, तो डिजीज डाइबेक हमने पढ़ा था पीछे, पाउडरी मिल्ड्यू पढ़ा, इसके अलावा रस्ट भी होता है, रस्ट होता है फेरिंगोमीडियम मैक्रोनेटम जो फंगस होता है उसकी वजह से, और डाउनी मिल्ड्यू होता है पर्नोस्पोरा स्पेरास जो फंगस है उसकी वजह से। पेस्ट अपने एपिड भी पढ़ा था, थ्रिप्स भी पढ़ा था, उसके अलावा कोटनी क्यूजन स्केल भी इसके अंदर होता है। तो ये कुछ डिजीज है, कुछ पेस्ट है जो जनरली आपको रोज में देखने को मिलते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डाइबेक ये डायग्राम, ये पाउडरी मिल्ड्यू पीछे दिखाया था, ये ब्लैक स्पॉट दिखाया था, ये आप रस्ट देख सकते हैं, ये एंथ्राक्नोज भी होता है, उसके अलावा रोज मोजेक वायरस भी देखने को मिलता है। और एपिड देखना चाहते हो तो ये एपिड है, ये थ्रिप्स का भी अटैक होता है, उसके अलावा जो क्वेजनिंग स्केल होता है ये आप देख सकते हो, और थ्रिप्स का जो अटैक होता है वो इस तरह का देखने को मिलता है।